अच्छा ठीक है, स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग। चलें ओके चलें जी। अब आपके पास ये है कि जो मैं आपसे पूछ रहा था एक्सपेरिमेंट, ये भाई एक सिचुएशन सामने आ गई, अब उस सिचुएशन को एनालाइज करें, उसके पॉसिबल आउटकम क्या थे। वो सिचुएशन हमारा प्रोसेस है, ठीक है। कॉइन टॉसिंग हो गया, एक प्रोसेस है, आउटकम जनरेट करेगा फॉर हेड एगा टेल, दो कॉइन टॉस करने में, तीन में, फिर वो जितना भी। डाई रोलिंग हो गया, ठीक है। अब ये वो कॉमन एग्जाम्पल है, कार्ड ड्राइंग्स हैं। अच्छा मिसाल है, ये अभी आप सब्जेक्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, पास फेल है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने लाइक अभी मार्केट, स्टॉक मार्केट की थोड़ी न्यूज सुने तो बहुत ज्यादा आपके पास जो है वो आपको पता होगा कि वो वाला टाइम चल रहा है, मंदी वाला। तो अगर आपके पास मिसाल आज कोई स्टॉक जिस उस पर क्लोज हुआ, तो मैं कहूँ अच्छा जी मंडे को उसकी ओपनिंग प्राइस क्या होगी, तो आप कह सकते हैं तीन पॉसिबल आपके पास उसके आउटकम्स हो सकते हैं। तो स्टॉक की ओपनिंग प्राइस एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में वो तीन पॉसिबल वैल्यू टेक प्लेस कर सकता है, जिस प्राइस पे बन वो उसी पे स्टिल रह सकता है। एक तो ये, दूसरा अप भी हो सकता है और तीसरा डाउन भी हो सकता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट होता है। अच्छा अब एक्सपेरिमेंट से जो हमारा वेल डिफाइंड आउटकम का सेट होता है उसको क्या कहते हैं जी? सिंपल स्पेस तो कितने पॉसिबल आउटकम से ये देखते हाँ, हैं। उसको सैंपल स्पेस कहते हैं, ठीक है। और उसकी रिजेम्बलेंस सेट थ्योरी में किस सेट से मैच करती है? यूनिवर्सल सेट से। यूनिवर्सल सेट से, शाबाश। तो सैंपल स्पेस हमने कहा, अच्छा चलें प्रोसेस का पता लग गया, प्रोसेस परफॉर्म करें ना करें या कर लें, चले मिसाल है, हम कह रहे हैं कि हम प्रैक्टिकली भी चीजों को साथ साथ देख रहे हैं। तो हमने कहा अच्छा जी ये तो देखो प्रोसेस तो होगा ना, क्या क्या पॉसिबल टेक प्लेस आउटकम कर सकता है, उसको हम एक इंफॉर्मेशन फॉर्म में रखते हैं, वो हमारा सेट हो गया। तो सैंपल स्पेस एक हब है इंफॉर्मेशन का, उस एक्सपेरिमेंट का जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो उसकी इंटायर इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। समझ आ गई बात? तो ये हो गया सैंपल स्पेस। अच्छा अब ऐसा हो जाए, इसमें एक आइडिया और एसोसिएट कर दिया जाए, और वो ये कर दिया जाए, आप कहें कि चलें काम करते हैं, हमें प्रोसेस का भी पता था, प्रोसेस के पॉसिबल आउटकम जिस सेट में जा रही है यानी सैंपल स्पेस का पता था। अब हम देखते हैं कि क्या इस पे डिफरेंट अगर फंक्शन डिफाइन हो रहे, फंक्शन फंक्शन ये वही है बेटा आइडिया जो आपने बेसिकली पढ़ा हुआ है, तो क्या ये आउटकम्स किसी वैल्यू से एसोसिएट होगा? तो वो बिल्कुल होगा, क्योंकि जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपके पास वो रैंडम वेरिएबल है, और रैंडम वेरिएबल का आइडिया ये है हमारे पास सिंपली कि जब किसी सैंपल स्पेस के आउटकम को एसोसिएट कर दिया जाए या एज अ इनपुट इस्तेमाल किया जाए किसी फंक्शन में, और वो फंक्शन से जो आउटकम जनरेट होंगे वो क्वांटिटेटिव नंबर होंगे। ये ध्यान से सुन लें, डोमेन आपके सैंपल स्पेस के आउटकम होंगे, और आउटपुट जो होंगे वो रियल नंबर से कुछ भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव इंटीजर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस टाइप का वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैं लिख कर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ये जरा ध्यान से सुनिएगा। इस एग्जाम्पल पे ना आपके पास कह लें कि हमारे पास आइडिया क्लियर हो जाएगा, रैंडम वेरिएबल का आइडिया, ठीक है। अच्छा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा क्योंकि थोड़ा लिखने का इश्यू रहता है माउस के साथ। तो एक्सपेरिमेंट जो है आपके पास, ये एक्सपेरिमेंट है, अब वो आपके पास टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग ऑफ आपके पास टू कॉइन्स, क्योंकि इस एक एग्जांपल से रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये सारा हम समझ जाएंगे। अच्छा इसका सैंपल स्पेस बता दे मुझे, ये क्योंकि किया हुआ है तो अब इसमें कोई हेजिटेशन, बगैर ऑर्डर पेयर के हम लिख लेते हैं, क्या होगा जी याद है? एच ठीक एच है एच ठीक है, हेड फर्स्ट हाँ जी, दी ऑल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। तो हेड एट की अपेयरेंस है, टेल ठीक है, और ये हेड ठीक है, ये सिंपल आपके पास, टेल ठीक है जी, ठीक है बिल्कुल सही। तो अब ये हो गया, चले ये दो बातों पे मैं भी बात कर चुका, एक्सपेरिमेंट भी आ गया, अच्छा पता है एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस में पॉसिबल आउटकम क्या है, यानी उसकी एंटायर इंफॉर्मेशन भी मिल गई सैंपल स्पेस के अंदर। अब क्या करना है? अब पहली बात याद रखें, ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इस तरह से हम यूज करेंगे, इसको हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल। अच्छा इसको कुछ भी कंफ्यूज नहीं करना है, आसान लफ्जों में कह लें ये एक फंक्शन होता है जो एस पर डिफाइन होता है,
ये रैंडम वेरिएबल है और ये बेटा एक फंक्शन है। बहुत आसान, कोई हम डिटेल इसको मुश्किल नहीं करते। तो रैंडम वेरिएबल के भी इसलिए रहे, इससे जो वैल्यूज जनरेट होंगी ना वो चांस की बेस पर होंगी, उसमें रैंडमनेस होगी जनरली, इन जनरल, ठीक है। तो हमने कहा अच्छा एक एक्स है जो रैंडम वेरिएबल है, जो फंक्शन है, और वो कुछ भी हो सकता है, यकीन करें मैं कुछ भी बात कह सकता हूँ, वो डिपेंड करता है कि फंक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे सैंपल स्पेस में वेल डिफाइंड आउटकम्स है तो ये आपके पास वेल डिफाइंड कह लें कि आपके पास फंक्शन भी होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा ना हो कि जिससे वैल्यूज डिफाइन ही ना हो पा रही, ठीक है। अब ये होपफुली ये आइडिया समझ आ गया होगा, ये जहन में ऐसे रखिएगा, ठीक है। अब मैं ये क्लियर कर रहा हूँ, या बस चले मैं एक्स लिख देता हूँ क्योंकि मुझे ये एस की नीड है। अच्छा मैं एक्स डिफाइन कर रहा हूँ, देखें एक्स मैंने कहा कि काउंट द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन यू आर टॉसिंग ऑफ टू कॉइंस। ये सबको समझ आई, पहले स्टेटमेंट की समझ बता दें फिर आगे मैं जाता हूँ। हम कहते हैं हेड्स को काउंट करें जबकि आप दो कॉइन टॉस कर रहे हैं। दो कॉइन टॉस करने से हमें एक्सपेरिमेंट का पता लग गया, एक्सपेरिमेंट पता लगने से हम सैंपल स्पेस बना सकते हैं, गिवन भी हो सकता है और बना भी सकते हैं, अगर हमें ऐसा एक्सपेरिमेंट दे दिया जाए जिसको बनाना आसान हो। नॉर्मली दिया वही जाता है जो बना सके, ठीक है। अच्छा अब हम कहते हैं काम करें, एक्स से मुराद क्या है, वो आपके पास हेड्स काउंट करना है आपके पास आउटकम में, ठीक है। अब यहाँ तक ये बात क्लियर है सबको, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ लिखने के लिए। अच्छा अब देखें मैं एस लिख लेता हूँ पहले तो, ताकि मुझे एस की नीड है, और एच 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 टी टी एच और ये टी टी। अच्छा मैं अब देखें जरा ध्यान से, पहले तो अगर मैं आपको ना एक लिख दूं कि ये आप कंफ्यूज ना करें तो आपको याद होगा, ये एक्स फंक्शन है, फंक्शन को एक फॉर्म में लिख देते हो, याद करें एस इसकी डोमेन है। एस क्या है यहाँ पर, कोई बताए मुझे जल्दी से। सैंपल स्पेस, वेरी गुड। करना क्या है, सैंपल स्पेस से आउटकम लेना है और जो एक्स की स्टेटमेंट है उससे गुजारना है, उससे पास करना है, या एक्स की स्टेटमेंट को उसके ऊपर डिफाइन करना है। अब ऑलवेज याद रखें, जब भी आप किसी भी सैंपल स्पेस को किसी फंक्शन से गुजारेंगे तो उसका आउटपुट हमेशा क्वांटिटेटिव होता है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। ये डेफिनेशन आगे सारी दिखाता हूं मैं, तो ये हमारे पास होगा। हम x एक फंक्शन है, फंक्शन कुछ भी दिया जा सकता है, अभी मैंने डिफाइन कर दिया नंबर ऑफ हेड्स है व्हाइल टॉसिंग ऑफ टू कॉइंस। s का मतलब सैंपल स्पेस डोमेन सेट है, यहाँ से आउटकम उठाओगे एज अ डोमेन और आप उस फंक्शन से गुजारोगे, ठीक है। अब मैं आपसे वन बाय वन पूछता हूँ, x याद है क्या डिफाइन किया था हमने, हाँ जी अभी रैंडम फंक्शन नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ अभी पर्टिकुलर, हाँ मैं लिख देता हूँ भूल गए क्योंकि वो प्रीवियस उसमें था। अच्छा जी एक्स है नंबर ऑफ हेड्स, इसी से एक्सपेरिमेंट पर हम ये ले रहे हैं नंबर ऑफ हेड्स, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं एक आपको एक एग्जांपल और दे दूं, अभी मैं आसान करने के लिए सिंपल चीज उठा रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ एक फंक्शन है टू कॉइन टॉसिंग में नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल का डिफरेंस निकाले, ये भी हो सकता है, सम निकाले, अभी मैंने आसान किया नंबर ऑफ हेड्स दिए। अच्छा जी तो अब मैं लिखता हूँ, अच्छा जो आउटकम जब गुजरता है वैल्यू से तो डेफिनेटली वो कोई वैल्यू टेक प्लेस करेगा, जनरेट करेगा, वो डेफिनेटली हमारी पॉसिबल वैल्यू की लिस्ट होती है तो उसको स्मॉल एक्स से डिनोट। अच्छा नंबर ऑफ हेड्स के मुताबिक पहले आउटकम में स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए जी, वन नहीं नहीं two. आप कैपिटल एक्स की स्टेटमेंट देखें क्या लिखा हुआ है, कैपिटल एक्स फंक्शन है हमारा, इधर भी वन होगा, इधर एक्स क्या होगा, जीरो। पहली बात ये एक्स फंक्शन तो है, इन जनरल ये रैंडम वेरिएबल कहलाता है, और रैंडम वेरिएबल क्यों कहलाता है क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट में आउटकम डिफाइन होता है तो उसकी वैल्यू चांस पर डिपेंड करती है, ठीक है। एक ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा अब मैं पूछूं एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आई है, पॉसिबल वैल्यूज ध्यान से देख के बताओ जी, हाँ जीरो वन टू, पॉसिबल वैल्यू जीरो वन टू है, फ्रीक्वेंसी के yes, वो एक अलग चीज है, फ्रीक्वेंसी पे भी मैं आगे बात कर रहा हूँ। अगर ध्यान से देखें, अच्छा ओके अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन तीन वैल्यू जनरेट हुई, जीरो भी, वन भी, टू भी,
अब जीरो एक बार जनरेट हुआ, इसका मतलब उस सैंपल स्पेस में एक आउटकम था जिसकी वैल्यू जीरो है. वन आ रहा है दो आउटकम के थ्रू, ध्यान से देखें आपके सामने, एस टी के थ्रू भी एक्स वन आ रहा है और टी एच के थ्रू भी एक्स वन आ रहा है. वाई, क्योंकि हमारा जो डिफाइंड फंक्शन था वो नंबर ऑफ हेड्स था. तो वन दो बार आ रहा है, हम कह सकते हैं वन है की वैल्यू मगर आ दो बार रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, टू होगी, और नंबर ऑफ हेड्स टू तो इसकी फ्रीक्वेंसी वन. तो ये अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये रेंडम वेरिएबल का आइडिया था. ठीक है, तो होपफुली ये बात समझ आ गई होगी आप लोगों को. हाँ जी, कोई कंफ्यूजन? Yes, sir. क्योंकि अब इससे मैं अगला आइडिया क्लियर करने जा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का. अभी तक इतना समझ ले हमने रैंडम वेरिएबल को आइडिया को पढ़ा है. और शॉर्टली समराइज करूँ, रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है, फंक्शन डिफाइंड होता है, गिवन होता है, उसमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं है. आपको पुराना जो काम चाहिए होगा कि जी एक्सपेरिमेंट क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, एस कैसे बनता है या एस गिवन है तो उसको इस्तेमाल कैसे करना है, वो आपने आइडिया देखना है. ठीक है, अच्छा अब इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, रैंडम वेरिएबल पढ़ लिया, अब मैं आ रहा हूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया वैसे ही है जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था. मैं बता देता हूँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बताएंगे, पहला जो हम कॉलम बनाते थे उसमें किस चीज को रखते थे, क्या हम मेंशन करते थे, कौन सी इंफॉर्मेशन कंटेन होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के पहले कॉलम में? सर उसमें हम क्लासेस. क्लासेस, वेरी गुड. पहले कॉलम में क्लासेस होती थी. अब यहाँ पर जो हमारी क्लास या कैटेगरीज है ना, वो पता है क्या, ये एक्स की पॉसिबल वैल्यूज है, नंबर ऑफ हेड्स. जी जी, ठीक है. अच्छा फिर आगे याद है आप लाइक टेली का कॉलम यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हो तो एक अलग चीज है. फिर आप एफ होता था, आपको याद होगा एफ, याद है किसी को रिप्रेजेंट करता था? यस सर, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, अब बस एक आइडिया और चाहिए. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी याद है आप लोगों को? यस सर. यस सर, बस बेटा हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेंगे ना. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दर हकीकत आपको याद होगा हमने पढ़ा था, एम्पेरिकल अप्रोच होता है, जब डेटा से प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है. तो जैसे हम इस वाले में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी करेंगे वही इसकी प्रोबेबिलिटी होगी और उस पूरी टेबल को हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अब मैं वो टेबल बना रहा हूँ इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे, अगली टेबल डायरेक्ट बना रहा हूँ और ये पुरानी ये सारी इंफॉर्मेशन जहन में रखिएगा. अच्छा जी, एक्स एक्स की पॉसिबल वैल्यू बना लें 0, 1, 2. रिमेम्बर ये क्लासेस की तरह रिप्रेजेंट हो रही है. टेली की इसमें जरूरत थी, टेली की याद कर इसलिए जरूरत होती थी क्योंकि आप बड़े डेटा को काउंट करके बना रहे होते थे तो मिस्टेक ना हो जाए. अच्छा जी, जीरो एक आउटकम के थ्रू आया है, वन दो आउटकम की वजह से आया है. दो आउटकम ऐसे थे जिन जो एक्स की वैल्यू वन जनरेट कर रहे थे और एक आउटकम ऐसा था जो एक्स की वैल्यू टू जनरेट कर रहा था. अब नेक्स्ट आइडिया, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. हाँ जी, ये टोटल जो फ्रीक्वेंसी का है वो क्या होगा आपका? 4. 4, 4. तो ये आपका टोटल है 1/4. तो अब मैं कहूँ अच्छा जी, जीरो क्योंकि एक आउटकम की वजह से आया तो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 1/4 और डेसिमल 1/4 तो ये 0.25 हो जाएगा. अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अगला 2/4 यानी कि 0.5 और लास्ट 0.2. इसका सम कर लें कितना आएगा? सम 1 इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर. नो सर. बस तो दो ये मेन आइडिया है. फिर अगर ये आपके ये दो फाउंडेशन क्लियर हो गए रैंडम वेरिएबल के और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, आगे का टॉपिक कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ उसमें फॉर्मूला और अंडरस्टैंडिंग चाहिए. ठीक है, तो अब मैं वो जो बुक में चीजें डेफिनेशन वगैरह उस पर आ जाता हूँ, वो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को. तो सिंपल है हमारा प्रोसेस यानी एक्सपेरिमेंट, जिसको प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं, उसका सैंपल स्पेस बना लेंगे और फिर ध्यान से देखेंगे फंक्शन क्या डिफाइन है. जो फंक्शन डिफाइन होता है वो रेंडम वेरिएबल होता है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, उसको डिनोट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. हमें करना ये होता है कि जो सैंपल स्पेस के हर आउटकम की देखते हैं कि पॉसिबल वैल्यू क्या है और फिर उसका इस तरह से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब ये देख लें चीजें बाकी. पहले तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन लिखी हुई है तो पढ़ लें. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स and their associated probabilities. अच्छा ये जो possible outcome है ना, इससे मुराद आपका random variable की possible values है, sample space की नहीं. क्योंकि अब जो है ना हमारा जो probability distribution में जो outcome होता है वो x की value होता है
और आप याद करें जो हमारा डोमेन होता है वो एस होता है, तो पॉसिबल आउटकम से मतलब एक्स की पॉसिबल वैल्यूज, मैं इसको पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स के नाम से कॉल करूंगा। अच्छा, साथ में आगे क्या लिखा हुआ है, दे आर एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज। अब मैं थोड़ा वो टेबल पर आता हूँ दोबारा और वो देखें आप लोग। बेटा ये जो लिखा हुआ ना इसका मतलब क्या है, ये सुन ले, इसको लिख क्या सर। अच्छा ध्यान में रखिए, एक्सपेरिमेंट वही है, टॉसिंग ऑफ टू कॉइन, फंक्शन है नंबर ऑफ हेड्स, ये दो इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखिए। अब ये जो नंबर है इसको लिख कैसे सकते हैं, आप कह रहे हैं ड्यूरिंग टॉसिंग ऑफ टू कॉइन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू आर गेटिंग नो हेड्स, ठीक है। तो कैपिटल एक्स उस वक्त किसके बराबर होगा, हाँ जी, जब मैंने कहा नो हेड्स, एक्स किसके बराबर होगा, जीरो, नहीं नहीं नहीं, वी आर सेइंग दैट नो हेड्स, कोई हेड नहीं है, ठीक है। उर्दू वाला है नहीं, इंग्लिश वाला है, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, व्हाइल टॉसिंग ऑफ टू कॉइंस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू आर गेटिंग नो हेड्स या जीरो हेड्स। तो आप कहेंगे ये मिला हुआ है, टेबल बना ली, अच्छा जी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी लिखेंगे हम, 0.25, इसका 0.25, समझ आ गई बात। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी है फिर आपकी, नो हेड्स, जीरो हेड्स। ये अगला नंबर देखें, अगले पे मैं आ रहा हूँ, ये वन हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, वन हेड, 0.5, और दो हेड आने के चांसेस 0.25। तो समझ आ रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कह रहे हैं, ये पॉसिबल वैल्यूज हैं एक्स की, और याद रखें पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स वो डिपेंड करता है आपको रैंडम वेरिएबल यानी फंक्शन क्या दिया गया है। तो होपफुली ये बात समझ आए, और देखें जरूरी नहीं है जो मैंने फंक्शन लिया हमेशा ही नहीं, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, सिर्फ उसको समझना होता है हमें कि वो हमें दे क्या रहा है। चलें अब आते हैं हम इसके ऊपर, तो देख लें ये हो गया। बाकी बेटा एक बात याद रखें, ये जनरल एक मैं रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी काम करें, चाहे बेसिक प्रोबेबिलिटी का आइडिया देखें, चाहे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखें, चाहे कोई पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखें, याद रखिए दो रिक्वायरमेंट जो हमने पढ़ी थी वो हर जगह फुलफिल होने चाहिए। पहला रिक्वायरमेंट, जितने भी पॉसिबल आउटकम हैं या पॉसिबल वैल्यूज हैं या पॉसिबल डिसजॉइंट इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का सम जो हो वो वन होना चाहिए। दूसरा, कोई भी इवेंट हो डिसजॉइंट या आउटकम्स हो डिसजॉइंट जो भी, उनकी प्रोबेबिलिटी जीरो से वन के दरमियान ही लाए करनी चाहिए। तो ये दो ऐसे बुनियादी रिक्वायरमेंट है जो ऑलवेज आपके होने चाहिए, ठीक है। ओके, ये वही है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर आउटकम यानी किसी भी जो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी जीरो से वन के दरमियान होनी चाहिए। तो हमने टेबल में देखा भी है कि हमारे पास कोई भी हमने जो है चाहे जीरो की प्रोबेबिलिटी देख ले, वन की देख ले, टू की, सबका जो प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट है वो जीरो से वन के दरमियान में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपकी अजम्पशन हो गई। फिर कहता है द आउटकम्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अभी आपने देखा जीरो वन टू जो जनरेट हुए वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना आपके, हाँ जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, समझ रहे हैं, यस सर, ओवरलैपिंग नहीं आसान लफ्जों में, ठीक है, क्लियर। तीसरा, द लिस्ट ऑफ आउटकम इज एग्जॉस्टिव सो द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम इज इक्वल टू वन। तो ये देख लें, ये बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं जो रहती हैं। रैंडम वेरिएबल बता दिया, अब इसके डेफिनेशन देख लिए, अ रैंडम वेरिएबल इज अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन, हाँ जी, ये वर्ड किसी को समझ में ना आया हो तो पूछ ले, मैं उसको दोबारा वो उस एग्जाम्पल से बता देता हूँ, हाँ जी, अ रैंडम वेरिएबल इज अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, यानी एक एक्सपेरिमेंट है, प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट, उसका सैंपल स्पेस भी होगा डेफिनेटली, तो उसके आउटकम की जो न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन हो जाती है वाया रैंडम वेरिएबल, उसको हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो आगे मेंशन भी है, रैंडम वेरिएबल मस्ट अज्यूम नंबर, नंबर का मतलब है कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर से इंटीजर भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है, व्हाटएवर, कुछ भी। और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में आपके एक्स की वैल्यू जेड से बिलोंग कर सकती है, ठीक है, और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में आपकी वैल्यू रियल से कोई भी इंटरवल बिलोंग कर सकती है। इन जनरल दोनों देखें, सेट ऑफ रियल नंबर का इंटरवल हो या सेट ऑफ इंटीजर हो, ये फाइनली किस बड़े सेट के अंदर रहते हैं ये दोनों, हाँ जी, क्वांटिटेटिव में, क्वांटिटेटिव में रहते हैं, और एज अ सेट में हम किस में, कौन से सेट, मिसाल दे रहा हूँ जैसे रैशनल, इरेशनल, किसके अंदर, जी सर, नाइट, क्लास, नहीं, मेरी बात नहीं समझे, मैं ये कह रहा हूँ हमारी एक्स की जो आउटपुट्स है ना वो होंगे तो क्वांटिटेटिव,
फाइनली वो बिलोंग कहाँ से कर रहे होंगे? रियल नंबर से, ये रियल नंबर से. जी जी जी, बस कहना ये चाह रहा हूँ, चाहे डिस्क्रीट वाला आउटपुट हो चाहे कंटिन्यूस वाला आउटपुट हो, वो फाइनली रियल नंबर से बिलोंग कर रहा होता है. समझ आ गई बात? अच्छा, यस सर, आइडिया है बस. और ये देखें, ये थ्री कॉइन टॉसिंग का एक है, मैंने जो दो पे समझाया था ना, ये आपका तीन पर आ गया है. तो होपफुली अब ये इसको आप खुद देख लेंगे. ये नंबर ऑफ सिबलिंग्स का एक डेटा है. ये बेटा जो एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, इसमें थ्री कॉइन टॉसिंग का है. तो थ्री कॉइन टॉसिंग में होपफुली अब आपको आइडिया समझ आ जाएगा. सेम वही आइडिया, एनहेंस करना है आपको सिर्फ. इसमें जो आपके आउटकम सेट होंगे और इसमें चार पॉसिबल रैंडम वेरिएबल जनरेट हो रही है. जैसे मिसाल के तौर पर ये जो तीनों हेड है, तो यहाँ पर एक्स आपका थ्री होगा और फंक्शन यही डिफाइन है. रिमेम्बर वो डिपेंड फंक्शन में भी करता है. तो यहाँ पर जो आपके पास जो है ना, ये देखें, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दी नंबर ऑफ हेड्स. तो ध्यान से देखना है फंक्शन क्या डिफाइन है, उसको समझना जरूरी होता है. ठीक है जी, चले. अच्छा, ये एक डेटा है. अब ये रिकॉर्डेड डेटा है, तो याद रखें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्डेड डेटा का भी हो सकता है, कोई एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है. और जो रिकॉर्डेड डेटा होता है वो भी इटसेल्फ एक्सपेरिमेंट ही होता है. मतलब आप एक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ सिबलिंग्स का डेटा है. जैसे एक प्रोफेसर है, उसने अपने इंट्रोडक्टरी स्टेट क्लास के स्टूडेंट से डेटा लिया नंबर ऑफ सिबलिंग्स का. चार पॉसिबल कैटेगरीज आई, फाइव, 0, 1, 2, 3, 4. क्लास के अंदर जो फ्रीक्वेंसी मिली है उसने उसके बेसिस पर ये कर लिया. 40 स्टूडेंट थे, अगर आप देखें फ्रीक्वेंसी का सम 40 है. अब जैसे 8 ऐसे स्टूडेंट थे जो इकलौते हैं. इकलौते का मतलब वो, उनका कोई बहन भाई नहीं है, तो x 0 है नंबर ऑफ सिबलिंग्स में. 1 वाले 17 है, 2 वाले 11 है, 3 वाले 3 और 4 वाले 1 है. यूरोप का डेटा है, होपफुली आप समझ सकते होंगे. हमारा डेटा होता तो नंबर ऑफ सिबलिंग्स में और कैटेगरी बढ़ सकती थी. तो ये आपके पास आ गया जी. और इसमें ये क्लासिफिकेशन है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की और कंटिन्यूस की. तो उसको वैसे ही रिकॉल करें जैसे मैंने पहले बताया था. डिस्क्रीट वेरिएबल याद है आप लोगों को, और कंटिन्यूस वेरिएबल, ये सेम आइडिया. बस अब हम इसको पर्टिकुलर कॉल करेंगे रैंडम वेरिएबल से. ठीक है, अगर काउंट वाला वेरिएबल है, अगर रैंडम वेरिएबल से काउंटिंग वाले नंबर जनरेट हो रहे हैं, और काउंटिंग से मुराद याद रखें नेगेटिव भी हो सकता है. एक बात बता दूं, इसको ऐसे कर लेते हैं, इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर याद है पहले ये बताएं. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सेट ऑफ इंटीजर का आइडिया बहुत से बच्चों को नहीं है? हाँ जी, तो मैं माइनस, हाँ जी, तो ये माइनस इन्फिनिटी से बात चल रही है, और ये भाई माइनस टू, माइनस वन, जीरो, और ये वन, इस तरह से ऐसे. तो याद रखें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल यहाँ से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं हमेशा पॉजिटिव हो, बस वो इंटीजर होगा. प्लस का इंटीजर हो सकता है, जीरो हो सकता है, माइनस हो सकता है. तो ये कह लें कि ये कब जेड से आपका वैल्यू बिलोंग कर सकती है, जब वेरिएबल कौन सा होगा? डिस्क्रीट रैंडम, डिस्क्रीट. ठीक है. अच्छा, अब मिसाल के तौर पर कहीं पर आपका रैंडम वेरिएबल टाइम पर डिफाइन है, तो टाइम तो कंटिन्यूस होता है ना आपके पास, और बेसिकली वो स्केल से डिफाइन होता है. तो आपको समझ आ गया होगा कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा होगा, यानी रियल नंबर का कोई भी इंटरवल हो सकता है. तो याद रखें जब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में सेट ऑफ रियल नंबर आना चाहिए. सेट ऑफ रियल नंबर याद है सबको, मैं थोड़ा इस फॉर्म में लिख देता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है. और मैं इसको रियल लाइन से भी बना देता हूँ. ये देखें, ये रियल लाइन याद है, ज्योमेट्रिकली इसकी नोटेशन थी. Yes, sir. ये zero, yes, sir. ये one, और ये जा रहा है जी up to positive infinity. इसमें ये के जी zero और one के दरमियान भी जो real number आ सकते हैं आप वो सारे लेंगे. तो ये ज़हन में रखिए, continuous में आपका कोई interval होगा, finally वो real में, और discrete में वो z में. अगर ध्यान से देखें दोनों ही तो real है ना एक तरह से, तो finally इसलिए मैं कह रहा था कि जो random variable होता है हमेशा quantitative ही रहता है. Random variable में जो आपका output निकलता है वो quantitative ही होता है. ठीक है, ओके. अब हम आ रहे हैं इस पे. तो अब ये देख लें, कुछ एग्जाम्पल में आ जाता हूँ. डिस्क्रीट कंटिन्यूस अभी समझा दिया, बस एक जैसे हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. अच्छा जी, कॉन्टेक्ट 5 कस्टमर. अब मिसाल है आप एक सेल्स पर्सन है, या लाइक आप एक ना फोन कॉलिंग पे ना ऑफर्स देते हैं कोई कंपनी है. जैसे अगर आप किसी को याद हो, इजी पैसा वालों की कॉल आती है किसी को जिसका टेलीनार नंबर है? हाँ जी, यस सर.
आती है ना, मुझे तो बहुत तंग करते हैं यार हर चंद दिन पे, ठीक है? तो वो उनका एक ड्यूटी होता है कि आज ये फला फला ये नंबर्स पे लोगों के, आज 5 कस्टमर को आपने कांटेक्ट करना है, तो वो जो सेल्स पर्सन है वो कांटेक्ट करता है, ठीक है? तो उसका मतलब अब कांटेक्ट तो कर रहा है, मिसाल है वो नॉर्मली आखिर में कहते हैं सर आप 1000 रुपए रखवाएंगे, वो याद है 1000 रुपए में उनके कुछ फायदे मिलते हैं फ्री मिनट्स। यस सर। तो अब इसका मतलब है मैं ऑर्डर ले रहा हूँ नहीं रह रहा हूँ, या मैं उनकी बात सुन के पैसे डाल रहा हूँ नहीं डाल। तो रैंडम वेरिएबल क्या है? नंबर ऑफ कस्टमर हु प्लेस एन ऑर्डर। अब देखे ना 5 लोगों से अगर इजी पैसा वाला रब्ता करे, ऐसा भी हो सकता है ना कोई भी उसकी बात ना सुने या ना माने या पैसे ना रखे अपने अकाउंट में, एक भी हो सकता है, दो भी, और ज्यादा कितने लोग हो सकते हैं आपके पास? 5 हो सकते हैं। तो ये आपके पास आइडिया जी, ये रैंडम वेरिएबल। तो ध्यान से देखें एक्सपेरिमेंट क्या था, कॉन्टेक्ट 5 कस्टमर, रैंडम वेरिएबल क्या है, द नंबर ऑफ कस्टमर हु प्लेसेस ऑर्डर। तो होपफुली आइडिया समझ आ रहा होगा। ट्रोयल्टी का जब भी स्टार्ट करते हैं ना, तो हम क्वाइन की, कार्ड्स की, डाई की एग्जांपल इसलिए लेते हैं, वो हम थोड़ा सा उनसे फेमिलियर होते हैं, लाइक दो चीजों से तो लाजमी तौर पर होते हैं, बट हम फिर जब जनरली जाते हैं वो कोई भी हो सकता है। अब मिसाल के तौर पर आप लोगों को पता होगा जब चीजें मैन्युफैक्चर होती है, बनती हैं, तो जो उनकी असेंबली या प्रोडक्शन लाइन होती है वहां पर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर भी होता है। आपने डिफरेंट देखा होगा चीजों मूवीज में या लाइक कोई डॉक्यूमेंट्री में। तो अगर कहा जाता है कि जी इंस्पेक्ट अ शिपमेंट ऑफ 50 रेडियोस, तो आपको रैंडम वेरिएबल क्या है कि अच्छा जी आप जानना चाहते हैं नंबर ऑफ डिफेक्टिव रेडियोस क्या है, तो डेफिनेटली उसकी रेंज ये होगी या पॉसिबल वैल्यू होगी 0 से लेकर 50, ठीक है? ऑपरेट अ रेस्टोरेंट फॉर वन डे, तो नंबर ऑफ कस्टमर 0, 1, 2, 3 और आगे 3 डॉट है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं, थोड़ा ध्यान से, प्रैक्टिकली ये कोई नंबर n जरूर होगा, ये ध्यान से सुनिएगा। तो ठीक है, इन्फिनिट की बहुत सारी किस्म होती है। अभी जिस इन्फिनिट को हम देख रहे हैं ना, उससे मुराद है हमें अपर बाउंड नहीं पता। जैसे मैं मिसाल के तौर पर आपसे मैं कहता हूँ कि अच्छा जी आपने जो है ना क्या करना है कि एक काम करने के लिए आपने ना एक वेबसाइट पे लॉगिन होना है, और वो हर थोड़ी देर पे ना वो लॉग आउट कर देता है आपको। अब मैं कहूँ कितने नंबर ऑफ अटेंड करेंगे, तो आप कहेंगे जी 10 में मैंने कर लिया अपना काम, कोई कहेगा 20 में कर लिया। देखिए प्रैक्टिकली वो नंबर फाइनाइट होगा, बट मैं कहूँ आप श्योर हैं कितने नंबर ऑफ बॉन्ड पे आप लिमिट पे जाके आप काम कर लेंगे, तो आप कहेंगे नहीं। तो यहाँ पर भी ऐसी है, नंबर ऑफ कस्टमर जो है इनका अपर बाउंड नहीं पता, इसलिए 3 डॉट है, ठीक है? तो होपफुली इसका ये कहता ही मतलब नहीं है, वो वाला इनफाइनाइट नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं पता, ठीक है? मतलब बड़ा नंबर है, लाइक लैक में और ट्रिलियन में, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान में देखें, 3 डॉट का ऑलवेज मतलब वो वाला इन्फिनिट नहीं होता जो आपने पढ़ा है, ठीक है? इन्फिनिट की पहली बात बता दूं, इसको थोड़ा सा भी मैथ से इंटरेस्ट रहे, इन्फिनिट की बहुत सारी किस्म है। तो अभी सिर्फ 3 डॉट ये बता रहा है, अपर बाउंड फिक्स नहीं है, बट प्रैक्टिकली वो कुछ भी होगा जरूर, ठीक है जी? सेल एन ऑटोमोबाइल। अच्छा, तो अब आपका रैंडम वेरिएबल है कि आपने जिसको सेल किया है उसका जेंडर क्या है, जेंडर ऑफ द कस्टमर क्या है। आपने यहाँ पे न्यूमेरिकल टेकिंग कर दी, अगर मेल है तो 0 है और फीमेल है तो 1 है। तो ये सारे देखें, सारे जो नंबर्स आए हैं तो आपके पास जो है ना वो वाले नंबर्स हैं, काउंटिंग वाले। अच्छा, अगर एक चीज मैं और ऐड कर दूं, कुछ बच्चों को कि जी हमने तो यहाँ पर नेगेटिव नहीं देखा, मैं एक और एग्जांपल उसी प्रीवियस से देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए जो अभी हमने पहले ली थी। ये जो 2 कॉइन टॉसिंग वाला था आपका, HH और HT और TH, ठीक है, और TT, मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, इसको मैं Y कर देता हूँ, रैंडम वेरिएबल है ये। फंक्शन से मतलब, फंक्शन ये कि आप कहें टॉसिंग और 2 कॉइन काउंट द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल। अच्छा जी, सॉरी, ये लिखने में थोड़ा सा मुझे इशू है, तो इसी तरह आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। देखें ये मैंने डिफाइन किया है, तो मैंने पहले कहा था कि आपके पास जो है फंक्शन कुछ भी डिफाइन हो सकता है, बात डिपेंड है वो दे क्या रहा है। अच्छा, आप देखें ये फंक्शन है, अब इसमें मुझे बताएं पहले आउटकम के हिसाब से वाई की वैल्यू क्या होगी। हाँ जी, और फंक्शन ध्यान में रखें, ये डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल, पहले एच एच के हिसाब से वाई की वैल्यू क्या होगी जी? 2 होगी, 2 होगी। देखें नंबर ऑफ हेड्स, पहले आउटकम में नंबर ऑफ हेड्स कितने, 2, नंबर ऑफ टेल कितने,
नहीं है तो जीरो, तो टू माइनस जीरो ये जीरो हो जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक है जी, ये बात समझ आई। चले इधर आ जाए सेकंड वाले एच टी में, जीरो क्योंकि इसमें इसको ऐसे देख ले, एक हेड है और एक टेल है, तो वन माइनस वन जीरो। अच्छा जी, अगले वाले में भी सेम यही सिचुएशन होगी आपकी, जीरो जीरो आपके पास, वन जीरो। और लास्ट वाले में क्या होगा, माइनस टू। ठीक है, समझ आया। हाँ जी, आप बताएं, माइनस टू नजर आया आपको यहाँ पे जी? यस सर। तो हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल नेगेटिव भी हो सकता है, तो अब होपफुली परेशानी नहीं होगी। बट आप नोट करेंगे मेजॉरिटी आपको एग्जांपल पॉजिटिव नजर आ रहे होंगे, क्योंकि वहां पर जो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना, काउंट वाला करते हैं। बट अगर नेगेटिव आ जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं है। मैंने एग्जाम्पल दे दी इसके हवाले से, चलेंगे। ओके, कंटिन्यूस में बेटा बता चुका हूँ, ऐसा रैंडम वेरिएबल होगा जो किसी स्केल से मुंसलिक होगा, जो किसी स्केल से एसोसिएट होगा। टेम्परेचर स्केल डिपेंडेंट है, मतलब सेल्सियस में देखते हो, फॉरेनहाइट में देखते हो, केल्विन में देखते हो। टाइम स्केल डिपेंडेंट है, सेकंड में देख रहे हो, मिनट में देख रहे हो, आवर में देख रहे हो, या डे में देख रहे हो, या वीक में देख रहे हो। तो होपफुली बात समझ आ रही होगी आप लोगों की। तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लो। कंटिन्यूस की डिस्ट्रीब्यूशन अभी नहीं, ये सिक्स में आएगी, बट अभी यहाँ डिफरेंस हम कर रहे हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट देखो, अब ये कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ऑपरेटर बैंक, हमने एक बैंक ऑपरेट के हवाले से देखा है, ये एक्सपेरिमेंट है। अब देखिए रैंडम वेरिएबल डिफाइन क्या है, याद रखें ये जो रैंडम वेरिएबल की स्टेटमेंट है, इसको लेकर कभी परेशान नहीं हो गया, ये ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होता है। सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ के ना पूरे पैराग्राफ में देखना होता है कि वो रैंडम वेरिएबल दे क्या रहा है आपको, ठीक है? और वो भी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद पिक करना शुरू हो जाएंगे, सही है? तो अब यहाँ पर टाइम बिटवीन कस्टमर अराइवल इन मिनट्स है। अच्छा, आपने कहा जी, जैसे इसको ऐसे ले ले कि अभी कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, बैंक टाइमिंग 10 से 4 तक है, सुबह 10 से शाम 4 तक। तो आपने कहा ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ अ बैंक, या बैंक अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो टाइम बिटवीन कस्टमर अराइवल इन मिनट्स क्या है? अब आप देखें, आप यहाँ पर जिस वेरिएबल पर काम कर रहे हैं वो टाइम पर, कस्टमर अराइवल के दरमियान जो टाइम है उसको आप जो है वो मेजर कर रहे हैं। तो आपको पता है ना कि टाइम मेजर होता है, तो ऐसा भी हो सकता है एक कस्टमर आया फिर इमीजिएट दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, ऐसे हो गया। तो इसलिए आपको पता है ना टाइम नॉन नेगेटिव होता है, तो स्मॉल एक्स टाइम की पॉसिबल वैल्यूज को डिनोट कर रहे, और ये एक इंटरवेल होगा जिस जीरो या जीरो से ऑनवर्ड जाएगा। अच्छा, फिल अ सॉफ्ट ड्रिंक कैन, मैक्सिमम जो है 12.1 ounces है। आप देखें सॉफ्ट ड्रिंक में जो लिक्विड होता है, जो आप कह लें सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, वो लिक्विड होता है, तो लिक्विड वाली चीज मेजर होती है ना, तो वो मेजर कर रहा है ounces में। तो नंबर ऑफ ounces जो है उसकी रेंज क्या होगी, जीरो से लेके 12.1 ounces तक होगा, तो ये एक्स की रेंज आ गई। अब यहाँ पर अपर बाउंड क्योंकि गिवन था, तो हमें पता लग गया इसमें अपर बाउंड है। टाइम वाले में अपर बाउंड नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तीसरा, कंस्ट्रक्ट अ न्यू लाइब्रेरी, ये आपका एक्सपेरिमेंट है। और रैंडम वेरिएबल क्या है, परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीट आफ्टर 6 मंथ। आपने कहा कि जी अच्छा, लाइक एक काम हो रहा था और 6 मंथ बाद प्रोजेक्ट कितने परसेंटेज कंप्लीट होगा, तो वो जब आप 6 मंथ बाद एवेल्यूएट करेंगे तो वो देखें 0 से 100% के दरमियान कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कुछ भी काम नहीं हुआ है तो जीरो है, ऐसा हो सकता है 50% काम हो गया है तो x 0.5 हो जाएगा, यानी डेसिमल में 0.5, परसेंटेज में 50। ऐसा भी हो सकता है 89 हो, ऐसा भी हो सकता है 100% हो। तो होपफुली समझ गए होंगे, वो डिपेंड करता है कि आपका रैंडम वेरिएबल क्या डिफाइन है। टेस्ट अ न्यू केमिकल प्रोसेस, ये एक और एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, अब इसमें क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हैं। टेम्परेचर व्हेन द डिजायर्ड रिएक्शन टेक प्लेस। अच्छा, वो जो डिजायर्ड रिएक्शन हो सकता है वो मिनिमम उसके लिए जो टेम्परेचर है वो 150 फॉरेनहाइट चाहिए और मैक्सिमम 212। तो आपने कहा चाहिए केमिकल प्रोसेस हुआ, एक सर्टेन रिएक्शन जिस टेम्परेचर पर टेक्स प्लेस हुआ आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं क्योंकि ये मिनिमम 150 पे भी हो सकता है और मैक्सिमम 212, तो इसका मतलब आपका पर्टिकुलर जो केमिकल रिएक्शन है वो 150 सेल्सियस से लेकर 150 फॉरनहाइट से लेकर 212 फॉरनहाइट के दरमियान कुछ भी हो सकता है। तो ये आपने कुछ मजीद एग्जाम्पल देख ली कंटिन्यूस की। कंटिन्यूस से रिलेटेड जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस पे चैप्टर 6 में बात होगी,
चैप्टर 5 में अब हम जो है वो डिस्क्रीट पर काम करेंगे। तो अभी यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो हमें क्या करना था, रैंडम वेरिएबल समझना था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझनी थी और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का फर्क जानना था। तो होपफुली ये बात समझ आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है? Yes, sir. तो ये कह रहा है सजेस्टेड क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस 1, 2, 5 एंड 6। तो लाइक हम रैंडमली क्वेश्चन कोई ले लेते हैं बुक से, और इसमें जो सबसे मेन है ना कि आप रैंडम नंबर पे कर कैसे रहे, जैसे ये देखें, चलें 3 देखें आप लोग, 3 को पढ़ लें, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। और इसमें सिर्फ हमें जो मेनली देखना है कि वो रैंडम वेरिएबल या डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह को कैसे देख रहे हैं, ये आप लोग देखें। जी 3 पढ़ा आप लोगों ने, ये कहते हैं 3 स्टूडेंट्स शेड्यूल इंटरव्यूज फॉर समर एम्प्लॉयमेंट एट द ब्रुकवुड इंस्टीट्यूट, इन ईच केस द इंटरव्यू रिजल्ट इन ईदर एन ऑफर फॉर अ पोजीशन और नो ऑफर, एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट ऑफ 3 इंटरव्यूज, लिस्ट द एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स। ठीक है, अच्छा जी, अब मुझे एक बात होता है, ये सेम वही आइडिया नहीं है कि आप 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं, हेड और टेल आ जाए, थोड़ा सा सोचे इसको। यस सर। तो बस वही जो हमने किया था ये उसी तरह से, अब ये कर सकते हैं कि इसने कहा ना एन ऑफर फॉर अ पोजीशन और नो ऑफर, तो हम इसको एस और एफ से डिनोट कर दें, ठीक है? ऑफर फॉर अ पोजीशन को एस दिखा दें, सक्सेस, एस से मुराद सक्सेस लेना चाह रहा हूँ, अगर स्मॉल एस यूज कर लें, और नो ऑफर को फेलियर से डिनोट कर दें। तो मैं देखें इसका सैंपल स्पेस लिख के बता रहा हूँ, ठीक है? ये देखें क्वेश्चन आप लोगों के सामने, तो अंडरस्टूड, इसको अब देख लें, कैपिटल एस, अच्छा बिहाइंड में वो क्लियर रखे क्वेश्चन में जो एक्सपेरिमेंट है इंटरव्यू का वही है, अब देख लें ये क्या होगा। हाँ जी, मैं लाइक ऐसे बना रहा हूँ, ये समझ आ रहा है इससे क्या मुराद है, कोई एक्सप्लेन करेगा इसके इंटरप्रिटेशन, ये जो 3 बार एस लिखा है मैंने, मतलब कि जो 3 इंटरव्यू होते हैं उन्होंने मतलब को सक्सेस हो गई है तीनों को। तो एक बार फिर क्वेश्चन देख लें, फिर मैं आ जाता हूँ। ये कहता है 3 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट इंटरव्यू दे रहे हैं, 3 स्टूडेंट शेड्यूल इंटरव्यूज फॉर 3 है, तो लाइक 3 कॉइन की तरह इनकी मिसाल हो गई। अच्छा, इन ईच केस इंटरव्यू रिजल्ट इन इधर इन ऑफर फॉर अ पोजीशन, ऑफर फॉर अ पोजीशन को सक्सेस से स्मॉल एस से डिनोट कर रहा हूँ, क्योंकि कैपिटल एस सैंपल स्पेस का होता है, और अगर कोई ऑफर नहीं हुई तो वो फेलियर है। तो भाई 3 कॉइन टॉस करो, हेड सक्सेस की तरह, टेल फेलियर की तरह। तो अब होपफुली ये समझ आ गया होगा, तो पार्ट ए में इसकी आपने लिस्टिंग करनी है। तो मैं जैसे एक दो और बना देता हूँ, फिर उसको आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। इवन इसका एग्जाम्पल हेड और टेल में गिवन है,
अब जैसे ऐसा भी हो सकता है जो पहला से मतलब है, पहला स्टूडेंट उस वो भी सक्सेस हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा एफ हो गया, एफ का मतलब उसको कोई ऑफर नहीं हुई। अच्छा ये भी तो हो सकता है पहले को सक्सेस मिली, ऑफर मिली, दूसरे को नहीं मिलती है और फिर थर्ड को ऑफर मिल जाती है। ये होपफुली बात समझ गए होंगे अब आप लोग, तो लास्ट में लिख रहा हूँ ये डॉट का मतलब, दरम्यान वाले आप कंप्लीट कीजिएगा। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि हमारे पास तीनों को कोई ऑफर नहीं हो, तो ये जी आपके पास एस हो गया और ये एस उसी क्वेश्चन के हिसाब से जो अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये पार्ट ए इसका समझ लें कि एक्स, और मैं अगर इसकी रेफरेंस दूं तो थ्री कॉइन टॉसिंग वाला रेफरेंस है। अच्छा आप कहता है डिफाइन अ रैंडम वेरिएबल, अब रैंडम पहले तो इसने नोट करे हमसे एस बनवाया। हाँ जी पार्ट ए में कोई कंफ्यूजन, पार्ट ए में क्या काम लिया गया है हमसे, कोई बताएगा मुझे? सर आउटकम पूछा है उन्होंने, जैसे यानी सैंपल स्पेस कंस्ट्रक्ट करवाया गया हमसे। ठीक है होपफुली ये बात समझ आ गई होगी। पार्ट ए में हमने सैंपल स्पेस बना लिया, पार्ट बी में कहता है डिफाइन अ रैंडम वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ऑफर मेड, इज द रैंडम वेरिएबल कंटीन्यूअस। अच्छा रिमेम्बर इसमें मुझे वो फ्रेज बता दे जो फंक्शन डिफाइन कर रहा है, या वो शॉर्ट सेंटेंस बता दें जो इस वाले सेंटेंस में मौजूद है और रैंडम वेरिएबल या फंक्शन की तरह है। हाँ जी नंबर ऑफ ऑफर्स मेड, शाबाश, द नंबर ऑफ ऑफर्स मेड ये हमारा रैंडम वेरिएबल है जो उसने दिया हुआ है। तो ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, फंक्शन यानी जो रैंडम वेरिएबल की स्टेटमेंट है वो गिवन होती है, वो आपका काम है ध्यान से पढ़ना। वो कहता है डिफाइन अ रैंडम वेरिएबल That represents the number of offers made. अब वही तरीका कार है, मैं जैसे कुछ की बता रहा हूँ चीजें और फिर आखिर में पूछ रहा है इस दी रेंडम वेरिएबल कंटिन्यूस, तो नो होगा क्योंकि वो काउंट वाला आइडिया है और रेफरेंस में थ्री पॉइंट टॉसिंग आप देख सकते हैं। अच्छा मिसाल के तौर पर अगर ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर जाए तो मैं एक्स जो है पहले लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, नंबर ऑफ ऑफर्स मेड। ठीक है तो इस केस में स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या होगी बताएंगे मुझे? हाँ जी थ्री, थ्री होगी, शाबाश, यानी तीनों को ऑफर दी थी। रैंडमली ये पूछता हूँ इस वाले में, इस वाले में एक्स क्या होगा जो लास्ट मेंशन किया हुआ था मैंने? जीरो। तो बस अब आइडिया क्लियर है, थ्री कॉइन टॉसिंग वाला जो है वो सामने रख लीजिएगा। अच्छा देखिए आपके वेरिएबल डिस्क्रीट आ रहे, काउंट वाले आ रहे, तो इज द रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस, नो वो डिस्क्रीट है। चौथी वैल्यू रैंडम वेरिएबल फॉर ईच ऑफ द एक्सपेरिमेंटल आउटकम, जो मैंने वैल्यूज लिखी उसको शो करना है आपने। ठीक है ये देख लीजिएगा, पहली जो ये एक्सरसाइज है ये जस्ट एक आपकी प्रैक्टिस है, इसमें कोई उस तरह से काम नहीं है कि आप कहेंगे जी कर, तो ये आप सारा खुद कर सकते हैं, इसको आप देखिएगा। ठीक है अब ये हमारा जो है कह लें ये देखा, दर हकीकत लेक्चर वन का पार्ट ए था हमारा। ठीक है अब लेक्चर वन पे ही है हमें और पार्ट बी पर आ रहे हैं, ये मैंने एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है जी, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं ये क्या टाइटल है इसका, जरा देखें ध्यान से। हाँ जी Developing discrete probability distribution. अगर नोट करें मैंने एग्जाम्पल में आइडिया दे दिया था आपको, ये वही आइडिया है। तो मैं अब यहाँ पर कुछ बातें और करता हूँ, मुझे बस एक मिनट दीजिएगा।
ओके जी, देखें आप लोगों ने ना रैंडम वेरिएबल समझ लिया लिए डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का फर्क, फिर रैंडम वेरिएबल में जो फंक्शन दिया गया उससे वैल्यू कैसे जनरेट होता है वो समझ, इवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनती है वही आइडिया जो आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते थे वो भी हो गया। अब यहाँ पे वही काम करवा रहा है आपसे, तो ये कोई नई चीज थी, मैं पहले बात कर चुका हूँ डेवलपिंग डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह पे बात करता हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है रोलिंग ऑफ अ डाई, यानी एक डाई को आपने रोल करना है, तो आपको पता है ना उसके पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है? हाँ जी, अगर हम एक डाई को रोल करें तो पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है आपकी? 1 से 6। ठीक है, अच्छा यहाँ पर किसी भी नंबर, कोई भी एक नंबर जो ले, यानी 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, 2 की भी 1/6 होगी। क्यों होगी? वो अप्रोच याद है जो मैंने बताई थी, 3 तरह के अप्रोचेस बताए थे क्लास। यस सर, इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली सर, क्लासिकल जी बिल्कुल, शाबाश। ये क्लासिकल अप्रोच है जहाँ पर हर एक आउटकम के अकरेंस सेम है और उसके होने के चांसेस इक्वली लाइकली है। अच्छा, अब रिमेम्बर ये आप प्रोबेबिलिटी फॉर्म में देख ले 1/6 है, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट क्यों है? क्योंकि वैल्यूज जो हैं वो डिस्क्रीट है, 1 से 6 है, वैल्यू से मतलब रैंडम वेरिएबल की। और दूसरी बात जो यहाँ पर मैं आपको कहूँ, एक खास बात और नजर आ रही है, क्या सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है यहाँ पर? हर एक्स की प्रोबेबिलिटी सेम है, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, तो इसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कह देंगे। ठीक है, तो जिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सबके हर एक्स वैल्यू की चांसेस सेम होंगे वो यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। होपफुली ये बात समझ गए होंगे। और ये भी डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट में कहलाएगा। अच्छा, ये वाला देखें, ये 3 कॉइन टॉसिंग का एग्जांपल पहले दे दिया था और इन्होंने क्या किया, आप देख लें नंबर ऑफ हेड्स, और 3 कॉइन टॉसिंग में 0 हेड एक बार आएगा, 1 हेड 3 बार आएगा, 2 हेड 3 बार आएगा और 3 हेड एक बार आएगा। ये देख लीजिए, बना लिया, तो ये बात हम कर चुके हैं पहले। ये इसका इन्होंने ग्राफ बना लिया है, ठीक है, इस फॉर्म में जिसको आप हिस्टोग्राम कहते हैं, यानी हिस्टोग्राम ही कहलाएगा। जैसे हमारे डेटा होते हैं ना, रॉ डेटा, उनको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं और फिर उसका हिस्टोग्राम बना लेते हैं, वैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का भी बनता है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ये आपके पास जो आइडिया आप देख रहे हैं ये आपके पास है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, मैंने चार्जर लगाया तो मुझे एक मिनट दीजिएगा। ओके जी, सॉरी वो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गई। अच्छा ये वही आइडिया है, ये देख चुके हैं, ये इसका ग्राफ है हिस्टोग्राम का, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिबलिंग्स एक, अब ये जो नंबर ऑफ सिबलिंग है इटसेल्फ एक रैंडम वेरिएबल की वैल्यू भी और एज अ क्लास भी काउंट होगी। क्लास थोड़ा सा मैं वहां कह रहा हूँ, उसूलन हम रैंडम वेरिएबल में क्लास का वर्ड यूज नहीं करते बल्कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स का वर्ड यूज करते हैं। जैसे नंबर ऑफ सिबलिंग्स अगर रैंडम वेरिएबल है कैपिटल एक्स, तो इसकी पहली पॉसिबल वैल्यू 0 है, दूसरी 1 है, 2 है, 3 है। हाँ, ग्राफिकली इसको भी हिस्टोग्राम से बना सकते हैं। हिस्टोग्राम बनाने में कुछ लोग इस तरह से बना लेते हैं, और ये आपके सामने ये भी ठीक रहेगा, तो ये कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है। ये वही रिक्वायरमेंट है जो मैं बार बार बात करता हूँ आप लोगों से डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। पहली बात, अच्छा ये एफ ऑफ एक्स को कंफ्यूज ना करें, एफ ऑफ एक्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि हो सकता है बहुत से बच्चे कहें कि ये एफ ऑफ एक्स अचानक कहाँ से आ गया, तो वो जरा सुन लें, ठीक है। मैं क्लियर करता हूँ और मैं वही उसी एग्जाम्पल का सहारा ले रहा हूँ जिसपे मैंने बात अपनी स्टार्ट की थी, जो है इस वाले एस पर। मैं एस लिख देता हूँ ताकि आपको पता है कि ये एस जो है 2 कॉइन टॉसिंग का है, क्योंकि ये अभी सारा आपको क्लियर है, तो यहाँ से आप इस पे HH, HT, TH और TT, ठीक है। और X वही है, मैं फिर X भी लिख देता हूँ, क्योंकि S लिखने का मतलब एक्सपेरिमेंट भी क्लियर हो गया, 2 कॉइन टॉसिंग है, ठीक है जी। और X ये था नंबर ऑफ हेड्स,
ताकि कोई मलंग बाबा परेशान ना हो, ठीक है। तो ये नंबर, तो इसमें याद होगा टू कॉइन टॉसिंग में तीन पॉसिबल वैल्यू 0, 1, 2, और एफ मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा था, आप चाहे तो उसको आर एफ डायरेक्टली लिख दें अगर याद हो, क्योंकि एफ मैंने वो उस वक्त काउंट, तो ये याद है 1/4 था 0.25, ठीक है, और ये 0.5 और ये आपका 0.25, ठीक है। अच्छा आप ध्यान से, मैं जो लिख, क्या इसको हम ये लिख सकते हैं probability of random variable x whenever random variable x is number of heads, तो जीरो हेड आने की probability हमारे सामने है और वो 0.25 है, ऐसे ही है ना। हाँ जी ये याद है, इसको ये लिख सकते हैं ना बेटा, ये जो हम कह रहे हैं probability of x when x is equal to 0.25, बुक में उसको f कह रहा है, क्योंकि ना असल में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शंस बनते हैं, तो वो इस वजह से एफ का नाम दे रहा है। तो ये कोई अगर मैं इसको यूं लिख दूं, ये की बात है, एफ ऑफ जीरो है ये, और कुछ बुक वाले स्मॉल एफ की जगह स्मॉल पी भी यूज कर लेते हैं, यानी इसी चीज को यूं भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो ये इस आइडिया से आपका मैं लिख दे रहा हूँ, जब जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू सम सर्टेन नंबर है, जैसे अभी मैं ए लिख देता हूँ, तो कोई अगर ऐसे लिख दे तब भी ठीक है, कोई इसको एफ ऑफ ए लिख दे तब भी ठीक है। रिमेम्बर ये सारी मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में रह के बात कर रहा हूँ, और अभी हम डिस्क्रीट पढ़ रहे हैं तो डिस्क्रीट है स्पेसिफिक, ठीक है। एफ ऑफ ए भी लिख रहा है तो उससे मुराद यही है, और कोई पी ऑफ ए भी लिख सकता है, क्योंकि कुछ बुक वाले एफ की जगह पी यूज करते हैं, तो जो पॉसिबल सिंबल यूज होते हैं वो सारे बता दिए। कोई इसमें कन्फ्यूजन किसी को? हाँ जी नो सर। तो समझ गए होंगे, तो ये एफ ऑफ एक्स है मतलब है जो एक्स आपका जो भी पॉसिबल वैल्यू उसकी प्रोबेबिलिटी जो भी होगी वो जीरो से बड़ी होगी, और डेफिनेटली वन से तो छोटी होती है, इवन जीरो भी हो सकती है। अच्छा, और सारी प्रोबेबिलिटीज का सम, एफ ऑफ एक्स से मतलब है प्रोबेबिलिटी सम का मतलब सारी प्रोबेबिलिटीज का सम किसके बराबर होगा? वन। देखें ये वही दो बुनियादी अजम्पशन है जो हमने प्रोबेबिलिटी के इंट्रो में भी पढ़े थे, तो उसको ऐसे याद रखें, जिस मॉडल में जिस सिचुएशन में प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच आ जाए, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाए, ये दो बुनियादी कंडीशंस के बगैर हमारा मॉडल बन ही नहीं सकता, या हमारी सिचुएशन जनरेट ही नहीं हो सकती। तो होपफुली अब आप बात समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, जो मैंने आपको डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, ये 1/n है, जैसे डाई रोल में 1/6 हो जाएगा, और वन कॉइन टॉसिंग में ये क्या हो जाएगा, वन कॉइन टॉसिंग भी यूनिफॉर्म है ना। हाँ जी, टॉसिंग अ कॉइन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है? यूनिफॉर्म है 1/2 सर। हां 1/2, बट टू कॉइन टॉसिंग यूनिफॉर्म नहीं है, वो आपके सामने आ चुका है, ठीक है। टू कॉइन नहीं है, वन कॉइन टॉसिंग यूनिफॉर्म है। मैं टू कॉइन वाला देख लें, जैसे जीरो आने का 0.25 है, टू आने का बट वन आने का 0.5, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम पॉसिबल चांसेस नहीं है सबके, तो फुली समझ गए होंगे, ठीक है। तो वन, तो ये यूनिफॉर्म हो गया। अब आ रहे हैं हम उस आइडिया पे, और वो आइडिया हमारा क्या है कि जी एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस हमारा। अच्छा, पहली बात विदाउट एनी कंफ्यूजन, मीन याद है? मीन ऑफ द डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा का मीन याद है? अर्थमेटिक मीन, चलो। हाँ जी यस सर, याद है ना। यस सर, बहुत से बच्चे हंस भी रहे होंगे सर पूछ के आ रहे हैं, ठीक है, बट मैं इसलिए ताकि थोड़ा सा आप लोगों को इन्वॉल्व कर सकूं। अच्छा, ये स्क्रीन पे ना लिखें जी, ये कोई स्क्रीन पे लिख रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब जो है मीन, जैसे हम आम हमारा एक क्वांटिटेटिव डेटा रॉ डेटा मीन निकाल लेते थे ना, तो इसी तरह बेटा जो रेंडम वेरिएबल की वैल्यूज होती है उसका भी मीन निकल आता है, और उस मीन को एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं। जैसे मिसाल में दे दूं आपको, पहले तो मैं समझा दूं, पहले ये बताएं इस एक्सपेरिमेंट में जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपका रैंडम वेरिएबल है नंबर ऑफ हेड्स। हाँ जी, जाग रहे हैं ना सर? yes. जी सर। ओके यस सर। ये इसकी पॉसिबल वैल्यूज हैं 0, 1, 2, यही है ना आपके पास? yes, sir. Yes. Yes, तो पहली बात याद रखें, रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज तो फंक्शन पे डिफाइन करती है, फंक्शन क्या है, जो होंगी उतनी रहेगी, ना कम ले सकते ना ज्यादा, ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी बात, जैसे एक आम डेटा का क्वांटिटेटिव डेटा का मीन निकाल रहे थे, तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज का भी तो मीन होगा, क्योंकि वो क्वांटिटेटिव है, ठीक है।
इसी तरीके से जैसे आप वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन आम से क्वांटिटेटिव डेटा का निकाल देते हैं, वो रैंडम वेरिएबल का भी निकलेगा। तो आइडिया सिंपल ये है कि अब जो है हम मीन की बात करेंगे, रैंडम वेरिएबल का मीन भी होता है वो भी काउंट करना कंप्यूट करना सीखेंगे और वेरियंस भी। अच्छा अब एक बात और ऐड कर दूं, क्योंकि बहुत से बच्चे कहे होंगे कि हमारा बड़ा वास्ता पड़ रहा है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से। बहुत आसान लफ्जों में सुन लें, ये दोनों समरी नंबर हैं। जो मीन होता है वो डेटा की सेंट्रलाइज लोकेशन को समरी फॉर्म में बयान कर देता है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो डेटा में जो डेविएशन है उसको समरी फॉर्म में बयान कर देता है। ठीक है, ये दो ऐसे समराइज नंबर है जिससे हमें डेटा की काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इवन इसका अंदाजा होगा आगे जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल पढ़ेंगे ना, बहुत सी चीजें वहां पे बोलेंगे कि अच्छा जी डेटा को ऐसे भी देखा जा सकता है। तो इन शॉर्ट क्वांटिटेटिव डेटा में हमारे पास ज्यादातर ऐसा होता है कि हर एक ऑब्जर्वेशन की क्या वैल्यू है उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, हमारा इंटरेस्ट ही होता है उनकी जो समरी इंफॉर्मेशन है वो क्या है। और समरी इंफॉर्मेशन मोस्ट ऑफ द टाइम दो नंबर से मिल जाती है, या डेटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो नंबर्स पे ज्यादा डिपेंड कर रही होती है। एक तो उसका एवरेज नंबर जो कि नॉर्मली अर्थमेटिक मीन होता है, और कुछ भी हो सकता है, कहीं मीडियन भी हो सकता है, कहीं भी मोड शॉर्टली मैं उसको मीन कह रहा हूँ, और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन दो समरी नंबर पे मोस्ट ऑफ द टाइम डिपेंड करती है, तो इसी वजह से हम इनकी बात बार बार कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा अब एक बात और, रैंडम वेरिएबल का जो मीन होता है उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू से कंफ्यूज नहीं करना है आपने, एक्सपेक्टेड वैल्यू से मतलब है सुन ले मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, यानी जिस रैंडम वेरिएबल पर काम कर रहे हो उसका मीन आपका क्या है वो लेना है आपने। ठीक है, समझ आई बात सबको, ये कोई कंफ्यूजन इसमें? हाँ जी, सो गए क्या सारे? रैंडम वेरिएबल में जो वैल्यूज आती है वो तो चांस पे डिपेंड करती है ना, तो जो चीज चांस पे डिपेंड करती है वहां पे एक्सपेक्टेशन होता है। सिंपल बस, और कोई इसमें मतलब ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब मैं फॉर्मूले पर आ रहा हूँ। एक्सपेक्टेड वैल्यू, दूसरा नाम मीन भी दे सकते हैं हम पढ़ रहे हैं। और अभी ये बेटा ध्यान से सुन लें, चैप्टर 5 में हम जिस रैंडम वेरिएबल और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर रहे हैं वो बेटा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो होपफुली ये बात समझ आ जानी चाहिए, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर काम कर रहे हैं चैप्टर 5 में। चैप्टर 6 में कंटिन्यूस हो जाएगा, ये फर्क है। तो चैप्टर का भी सीक्वेंस आप लोगों को समझ आ गया है। ठीक, अच्छा एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब मीन निकाल रहे हैं, तो यूं भी लिख सकते हैं e of x is equal to mu, और ये सम का सिंबल है x into f of x। अब ये वाली एक्सप्रेशन मैं एक्सप्लेन करता हूं लिख के, वो देखिएगा ध्यान से। अच्छा जी, अब यहां पर इधर देखें, एक्सपेक्टेशन ऑफ x लिख लें या मीन लिख लें, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है जरा ध्यान से सुन लें। आपने देखा था सम हो रहा था x into f of x, इसका बहुत आसान सा आइडिया मिसाल है। आपका जो पहली वैल्यू रैंडम वेरिएबल की x1 है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी अपने प्रोबेबिलिटी से f of x1 से, क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगी। प्लस क्यों आएगा, सम का नोटेशन देखा था आप लोगों ने, तो उसका मतलब हर एक्स अपनी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो सारे सम हो जाएंगे। इसी तरह मिसाल के तौर पर नेक्स्ट जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू थी, वैल्यू पे बात कर रहा हूँ, वो 2 है, तो वो मल्टीप्लाई होगा क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से एफ ऑफ एक्स 2। और ये जी सिलसिला होपफुली अब समझ में आ गया होगा, चलेगा कहाँ तक चलेगा जी, अज्यूम करते हैं वो एक्स एन रैंडम वेरिएबल तक था तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। अगर आप ये जैसे ही सम कर लेंगे तो बेटा जो आपको मिल जाएगा वो उस रैंडम वेरिएबल का मीन मिल जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है, ये एक्सपेंशन है, और हमारी जो प्रीवियस एग्जांपल है उसमें हम उसका मीन ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, तो ये जी इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। सम का मतलब समेशन देंगे, जिसमें इंडेक्स में मैं लिख देता हूँ आई स्टार्ट हो रहा है 1 से अप टू कहाँ तक जाएगा एन, एक्स वन x1 x2 x2 ऐसे चलेगा, और f of x1 से तो इसको हम जनरली xi से मल्टीप्लाई कर दे देंगे और ये f of xi।
तो मैथमेटिकल फॉर्म तो थोड़ा सा देखने में अजीब सी लग सकती है, मगर एक्सपेंशन देख लें तो बात समझ आ जाएगी। तो होपफुली ये क्लियर होगा, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। अब मैं वो जो हमारा डेटा था मैं डायरेक्ट टेबल लिख रहा हूँ, डिटेल्स अंडरस्टूड वही है हमारी, ठीक है। जीरो टॉसिंग, मैं बता दूं टॉसिंग ऑफ टू कॉइंस पर नंबर ऑफ हेड्स की जो प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, अब इसको मैं एफ ऑफ एक्स लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, रिपीटिंग दैट, टॉसिंग ऑफ टू कॉइन उसकी, और गिवन दैट योर रैंडम वेरिएबल और योर फंक्शन इज नंबर ऑफ हेड्स, देन दिस इज द प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जीरो आने की प्रायोरिटी 0.25 है, ठीक है। अच्छा जी, 0.5 और आपके पास 0.25, सही है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ इसका मीन निकालें, तो इसका मीन आपके पास ही हो जाएगा। जरा देख लें, पहली वैल्यू 0 है तो 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा अपनी प्रायोरिटी 0.25 से। अच्छा, प्लस करेंगे सम, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5 से, और प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.25 से। ये जी इसका मीन आ जाएगा। तो ये 0.5, ये भी 0.5 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो अब इसकी इंटरप्रिटेशन ये, द मीन वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ हेड्स इज 1 व्हेन यू आर टॉसिंग टू कॉइन। जब आप दो कॉइन टॉस करें, एंड व्हाइल यू आर टॉसिंग टू कॉइन्स, एंड गिवन दैट योर रैंडम वेरिएबल इज नंबर ऑफ हेड, देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू टू गेट नंबर ऑफ हेड इज 1। ठीक है, दो कॉइन टॉस करने पे मीन हेड जो आपको मिलेगा, मीन नंबर ऑफ हेड जो मिलेगा वो 1 मिलेगा। ये इसकी इंटरप्रिटेशन है और यही एक्सपेक्टेड वैल्यू है, और शॉर्टली हम इसको मीन कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास वेरिएंस है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू समझ आ गया। अब देखेंगे एफ ऑफ एन वही है, प्रायोरिटी है, तो ये कंफ्यूज ना हो। समेशन एक्स, एक्स का मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, एफ ऑफ ऑन एन आपको पता है ना रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से आता है, तो एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं या पी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। अच्छा, आपको याद होगा हमने वेरिएंस पढ़ा था और उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लिया था, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया था। तो यहाँ पे भी सेम आइडिया है कि जैसे भाई एक क्वांटिटेटिव डेटा में आप उसका वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ले सकते हैं, तो उसी सेम तरीके से आप रैंडम वेरिएबल, क्योंकि उसके भी आउटपुट क्वांटिटेटिव होते हैं, तो आप उसका वेरियंस भी निकाल सकते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं। तो वेरियंस ऑफ एक्स यूं लिख लें, सिग्मा स्क्वायर लिख लें, और ये फॉर्मूला है। करना क्या है, हर रैंडम वेरिएबल में से उसका मीन माइनस करना है और क्रॉसपॉन्डिंग प्रायोरिटी से मल्टीप्लाई कर लेना है। जब ये आप कर लेंगे तो सबको सम कर लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास है, इसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला होता है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो लाइक ये देखें, मैं इस पर आ रहा हूँ। अच्छा, ये अब आपके पास हम लाइक ये, हाँ जी, टेबल हमारी सेम है, ठीक है। अच्छा, अब इस सेम टेबल पर हम काम करते हैं, तो चलें। कोई मुझे हेल्प करेगा, ये कैसे दोबारा पेंसिल आएगा, टेक्स्ट में आएगा, आई थिंक टेक्स्ट में भी नहीं आएगा। रेजर फॉर्मेट, ये थोड़ा हेल्प करें मुझे, ये कैसे पेंसिल दोबारा आएगी मेरी। मुस्तफा, जी लाइन और हम दोबारा इसको देखते हैं और अच्छा चले। अच्छा, अब देखें वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स का अगर हम फॉर्मूला वहां से देखें, तो
तो ये देखें सिग्मा स्क्वायर है, तो ठीक मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर इंटू एफ एक्स, और ये सिग्मा है आपके पास, ठीक है। तो अच्छा जी, अब हम कह रहे हैं सम करेंगे, क्या करेंगे, हर एक्स में से आपने मीन माइनस कर देना है और उसको क्या करना है, स्क्वायर करना है और एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई। जैसे मैं लिखता हूँ इसकी एक्सपेंशन देख लें, जैसे पहला एक्स वन होगा रेंडम वेरिएबल, उसमें से मीन माइनस कर दें, मीन आपको पहले चाहिए होगा, स्क्वायर करें और क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, क्रॉसपॉन्डिंग मतलब एक्स वन की क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दें, और ये सारा बेटा सम होगा अप टू एन तक। तो ये हो जाएगा एक्स एन माइनस म्यू होल स्क्वायर, और आपके पास ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। तो ये जी आ जाएगा, तो इस तरह से, यानी वही सम का आइडिया है। अब मिसाल के तौर पर हमने जो पहले लिया था उसमें अगर मैं एक्स हमारा जीरो वन टू और ये हमारा एफ ऑफ एक्स, तो ये देख लें 0.25 था, ये वही सेम है बेटा। मैं फिर बता दूं कि टू कॉइन टॉसिंग का पर जो नंबर ऑफ हेड्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वही ये बनेगी। अच्छा, और अगर याद हो तो हमने इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स भी निकाली थी, जिसको हमने म्यू से डिनोट हम कर सकते हैं, और ये आपका वन है जो हम ऑलरेडी प्रीवियस उसमें कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। ठीक है जी, अच्छा जी चलें, सही है। अच्छा जी, अब ये आ गया आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू, ये वन हो गया आपके पास। अच्छा, अब यहाँ पर देखें हमने वेरिएंस निकालना है, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है माउस, पता नहीं क्यों थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, चलें ठीक है। अच्छा देखिए, मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ, पहली वैल्यू जीरो है ना, तो हमारा ऐसे होगा, याद है एक्स वन था, एक्स वन जीरो, जीरो माइनस म्यू ये वन है, जीरो माइनस वन यानी एक्स वन, एक्स वन जीरो माइनस मीन, मीन हमारा वन है, होल स्क्वायर, और क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है 0.25, ठीक है जी। प्लस आगे लिख रहा हूँ मैं नीचे, फिर वन माइनस वन होल स्क्वायर, अब ये वन बेटा ये वाला है, ये एक्स टू है, ठीक है, मतलब के सेकंड रैंडम वेरिएबल की वैल्यू वन माइनस मीन होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये डेफिनेटली जीरो हो जाएगा आगे चल के, मगर मैं थोड़ा एक्सपेंशन समझाने के लिए डिटेल में लिख देता हूँ। और लास्ट में क्या होगा जी, आपका रैंडम वेरिएबल टू माइनस वन, टू माइनस वन होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वो स्क्वायर होता है, और मल्टीप्लाई बाय 0.25। तो देख लें ये जीरो माइनस वन माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर वन, वन इंटू 0.25, तो पहला तो नंबर 0.25 हो जाएगा, ठीक है, प्लस वन माइनस वन जीरो, तो ये अंडरस्टूड सेकंड टर्म जीरो हो गई इसमें, प्लस ये अगर आप देखें तो टू माइनस वन होल स्क्वायर, तो टू माइनस वन वन, वन का स्क्वायर वन, और वन मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो ये भी पॉइंट, तो ये 0.5 आ गया। तो ये रिमेंबर इसका वेरिएंस है, ठीक है, अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन इसका लेना है तो यूं भी लिख सकते हैं। अच्छा, वेरिएंस आपको याद होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स को सिग्मा भी लिख सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स को आप यूं भी लिख सकते हैं, एस डी और ब्रैकेट में एक्स लिख दें, और इसको आप सिग्मा से भी डिनोट कर सकते हैं, और ये 0.5 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी नंबर आए, तो इंटरप्रिटेशन के लिए आपको बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन में हम अपने डेटा को रखते हैं, तो होपफुली ये बात समझ आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है जी। तो ये जी वेरिएंस है, इसको अगर मैं कट इट टू शॉर्ट कहूँ, जैसे हम क्वांटिटेटिव डेटा में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, तो रैंडम वेरिएबल के आउटपुट भी जो होते हैं ना वो क्वांटिटेटिव होते हैं, तो उनका भी मीन होता है और उनका भी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। क्या फायदा, वही फायदा है कि जी रैंडम वेरिएबल की मीन वैल्यू निकाल सकते हैं, ट्रेस आउट कर सकते हैं, इसी तरह रैंडम वेरिएबल में वेरिएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वो निकाल सकते हैं आपके पास।
तो ये जी इसका आप कह लें कि फायदा है। और क्वेश्चन 15 है, द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड द प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रैंडम वेरिएबल एक्स, ये रहा। अच्छा, बाजू का तो आपको ना टेबल दे देता है, तो उसमें जो गिवन टेबल उस पर चलेंगे। जैसे एक्स ये जो भी रैंडम वेरिएबल है, एक्स 3 हो तो उसकी प्रायोरिटी 3 होने की प्रायोरिटी 0.25 है, 6 होने की प्रायोरिटी 0.5 है, और 9 होने की प्रायोरिटी 0.25 है। ठीक है, तो होपफुली समझ आ गया होगा कि ये एक रैंडम वेरिएबल है जिसकी 3 पॉसिबल वैल्यू है और हर एक वैल्यू की अकरेंस के चांसेस गिवन है। अब वो कहता है कंप्यूट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, द एक्सपेक्टेड वैल्यू कंप्यूट वेरिएंस पार्ट बी में और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये देखें आपके पास इससे का एक्सपेक्टेशन ऑफ एफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स वो 6 आ जाएगा फॉलोइंग बाय टेबल। ठीक है जी, ये देख लें 3, 6, 9 एक्स का सम कर लिया। होपफुली इसकी नीड तो आई थिंक नहीं थी, चले। अच्छा, अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स 0.25 ये ऑलरेडी गिवन था, ये दोनों इधर आ जाए। करने क्या है, 3 को 0.25 से मल्टीप्लाई करें, बहुत आसान है। हर रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यू को उसकी क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 6 को 0.5 से और 9 को 0.25 से, ये आ गया, इनका सम कर लें तो ये मीन आ गया। तो यानी अब ये जो रैंडम वेरिएबल है ना, तो इसकी मीन वैल्यू 6 है, यानी ये 3, 6, 9 जो 3 पॉसिबल वैल्यू थे, इसमें इसकी मीन वैल्यू जो है वो 6 है एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये वेरियंस है, एक्स निकाला, एक्स माइनस म्यू निकाला, स्क्वायर किया, एफ ऑफ एक्स देखा, मल्टीप्लाई किया, ये जी इनका सम 4.5, और स्क्वायर रूट ले लें तो ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब इसको बस समराइज करूं कि हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल होते हैं वो क्वांटिटेटिव आउटपुट देते हैं, तो उसका मीन भी फाइंड कर सकते हैं। मीन कैसे फाइंड करते हैं कि हर रैंडम वेरिएबल की जो सिंपल रैंडम वेरिएबल की जो पॉसिबल वैल्यू है, हर वैल्यू को क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम कर लें तो आपको मीन मिलेगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको याद होगा डेविएशन का स्क्वायर करके मिलता था वेरियंस, तो हम क्या करेंगे, हर एक्स वैल्यू में से मीन माइनस करेंगे तो डेविएशन हो जाएगा, उसका स्क्वायर करके क्रॉसपॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करके सम कर लें सारों का, यू विल गेट वेरियंस, और जैसे ही आप उसका स्क्वायर रूट कर लें यू विल गेट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जी आपके पास कह लें कि ये है क्वेश्चन। ठीक है, देख लेते हैं इसमें, ये 15 था आई थिंक, तो इसमें हम देखते हैं बुक में। अच्छा, तो मतलब अगर आपका ना पुराना बैकग्राउंड है, ये कोई मुश्किल चीज है नहीं है। और अभी तो हमारा मेन कंसर्न है कि आपको अगर मैं कहूँ ना, तो अभी करेंटली रैंडम वेरिएबल क्या है, डिस्क्रीट कंटिन्यूस क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनती है, और मीन और वेरिएंस क्या है। अब तक हमने ये 4 से 5 मेन बुनियादी चीजें सीखी। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरियंस ये 5.3 में, ये छोटे छोटे हैं तो इसको उस तरह से नहीं देखें कि ये कोई बड़ा टॉपिक है, एक लेक्चर है, ये मेन आइडिया एक ही लेक्चर का था आपका। और ये लाइक जैसे देख लें, ये वाला 15 का दिया हुआ था, आप ये वाला देख लें, ये रहा आपका, ये देखें, ये मैं समझा देता हूँ क्योंकि इसको लिखना फिर मुश्किल होगा। कह रहा है इन गैलप्स एनुअल कंजप्शन हैबिट्स पोल टेलीफोन इंटरव्यूज वर कंडक्टेड फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ 1040 adults aged 18 and over. One of the question was, how many cup of coffee, if any, do you drink on an average day? The following table shows the result obtained. Simple, like a number of cups per day, आप कितने लेते हैं? नहीं कोई पीता वो जीरो होगा, कोई एक पीता है, कोई दो, तीन, चार या ज्यादा वालों को एक ही कैटेगरी कर दिया, यानी अब कोई 4 पिए, 10 पिए, 12 पिए, वो इसी कैटेगरी में आ जाएगा, 4 और मोर में। अच्छा, उन्होंने जो सर्वे, क्योंकि ये सर्वे होता है, सर्वे डेटा लिया जाता है, सैम्पलिंग होती है, तो जो टोटल एडल्ट्स हैं वो 1014 है। तो अब पार्ट ए में देखें, कह रहा है डिफाइन अ रैंडम वेरिएबल एक्स, द नंबर ऑफ कप्स ऑफ कॉफी कंज्यूम ऑन एवरेज डे, लेट एक्स रिप्रेजेंट 4 और मोर कप्स। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो है, तो आप ये कह लेंगे ये हमारा रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यू, तो ये वाला जब आप x लेंगे तो याद करना, यहाँ पे तो 4 और मोर लिखा हुआ है, मगर आगे इसने मेंशन किया है 4 और मोर कप्स के लिए जब भी आपको x इस्तेमाल करना पड़ेगा तो आप x की वैल्यू क्या पढ़ लेंगे, 4 लेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर इसने कहा है डेवलप अ प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर x, अगर हम यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर दें और वो क्या करें, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लें, कैसे, टोटल जो है 1014 है, तो
पहली कैटेगरी में 365 को हम डिवाइड कर दें 1014 से तो हमें मिल जाएगा। फिक्सिंग कर लें कैलकुलेटर तीन डिजिट पे या चार डिजिट पे, चार पे कर लें बेटर है ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है चार डिजिट सही है। अच्छा जी 264 को डिवाइड कर दें टोटल से, 193 को डिवाइड कर दें, 91 को कर दें 101 का, तो आपका पार्टी हो जाएगा। अच्छा जब वो कहता है कंप्यूट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, तो आपने 0, 1, 2, 3, 4 को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो नंबर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करना है और सबको सम कर लेना है। वेरियंस कब होगा, जब आप मीन निकाल लेंगे तो हर एक्स में से मीन माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं। अब वो कह रहा है सपोज वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन एडल्ट्स हु ड्रिंक्स एट लीस्ट वन कप ऑफ कॉफी ऑन एन एवरेज पर डे, एट लीस्ट वन कप ऑफ कॉफी। तो ये कहता है लेट वाई द नंबर ऑफ कप्स कॉफी कंज्यूम ऑन एन एवरेज डे, कंप्यूट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई एंड कंपेयर इट टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आपके पास ठीक है। अच्छा आप देखें ये कहता क्या है, सपोज वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन हु ड्रिंक एट लीस्ट वन कप ऑफ कॉफी ऑन एन एवरेज डे, एट लीस्ट वन पीने वाले यहाँ से शुरू हो जाएंगे ना 1, 2, 3, 4 ठीक है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी की एक्सपेक्टेशन निकाल लें वो आपका आ जाएगा। और वाई कहता है नंबर ऑफ कप्स ऑफ कॉफी कंज्यूम ऑन एन एवरेज डे, तो जो नंबर ऑफ कप्स ऑफ कॉफी कंज्यूम ऑन एवरेज डे आपके पास, तो वो आपके पास जो है वाई वेरिएबल हो गया ठीक है। तो कंप्यूट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई एंड कंपेयर इट टू दी अदर, तो y की जो प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन है आप उसके हिसाब से करेंगे इस वाले को निकाल के ठीक है। तो इसमें जब आप काम करेंगे तो इसमें देख लें, अब ये जो इसने दिया हुआ है ना आपके पास, ये y को मैं एक्सप्लेन कर दूं। पहले एक बात बताएं, आपके पास जब y के लिए हम काम करेंगे तो इसके टोटल में से हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा, आप बताएंगे वो क्या माइनस करना पड़ेगा जी, कोई भी 365 सही है, 1014 में से आप 365 निकाल दे, क्यों, क्योंकि अगर जरा ध्यान से मैं पढ़ूं, ये कहता है हम इंटरेस्टेड है उनमें जो कम से कम एक काफी, तो इसका मतलब वो ना पीने वालों को निकाल रहा है। और वो कह रहा है फॉर दिस ग्रुप जो वाई डिफाइन कर रहा है वो है नंबर ऑफ कप्स ऑफ कॉफी कंज्यूम ऑन एन एवरेज, तो उसका मतलब हम 1014 में से 365 निकालेंगे। जरा ये बताइए डिफरेंस कितना आ रहा है, अगर मैं 14 निकाल दूं तो 51 हो जाएगा, और 351 को आप निकाल दें 1000 में से कितना हो जाएगा 649। तो आप पता है क्या करेंगे, जो y के लिए आपकी टेबल पता है कहां से शुरू होगी, उसमें चार वैल्यूज होंगे 1, 2, 3, 4 और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 649 की बेस पर बनेगी, 264/649 y के लिए बता रहा हूँ, 193/649, 91/649 और ये जो 4 कहलाएगा ये 101/6 वो y हो जाएगा। y की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल ले जो फॉर्मूला देगा और x की पहले से निकाल ले तो आपको पता पड़ जाएगा। तो कह रहा है कंप्यूट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y एंड कंपेयर इट टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ठीक है। तो एक काम करें कैलकुलेटर अगर है तो निकाले, मैं भी कैलकुलेटर ले रहा हूँ, ये कैलकुलेट करके अभी नंबर बता रहा हूँ, तो आप लोग कन्फर्म करें जरा। अच्छा जी देखें, मैं आवाज अगर मेरी आ रही हो सबको तो मैं एक्सपेक्टेशन वाई की कह रही, पहली बात वाई जो है वो उस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कम से कम एक कप ऑफ कॉफी पीते हैं, तो जो हमारा नया रैंडम वेरिएबल आ रहा है उसमें से एक्स और वाई का ये फर्क है, एक्स में से जीरो वाली कैटेगरी निकाल दें तो जो नई कैटेगरीज 1 से 4 की बनेगी वो वाई वेरिएबल की होगी ठीक है। तो पहले तो मैं कंफर्मेशन के लिए 1014 में से माइनस कर रहा हूँ 365, तो ये जी टोटल आ रहा है 649 का ठीक है। अब मैं बेटा डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट कर रहा हूँ वाई की एक्सपेक्टेशन ठीक है, देखें वो कैसे होगा ठीक है। अब देखें वन मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, अगर मैं तो डायरेक्टली यहाँ पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लूँ 264 डिवाइडेड बाय 649। हाँ जी इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, ये पहली टर्म होगी वाई की बता रहा हूं मैं,
हाँ बेटा आई ब्रेक देते हैं, बस ये मैं चाह रहा था ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर कर दूं। तो देखें वन को मल्टीप्लाई कर दे 264 अपॉन 649 से, प्लस में एक ही वक्त में कर रहा हूँ सारा। टू मल्टीप्लाई कर दे 193, आपके पास एक मिनट फ्रैक्शन ले लूं 193 और डिवाइडेड बाय 649, ठीक है। प्लस कर दे, थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में आप लिख लें 91 डिवाइडेड बाय 649 प्लस, और फोर और मोर के लिए उसने मेंशन किया हुआ है आपने फोर ही लेना है। फोर मल्टीप्लाई किससे करते हैं, फ्रैक्शन से, और वो फ्रैक्शन क्या होगा 101 डिवाइडेड बाय आपके पास 649 चलेंगे। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो मेरे पास आ रही है वाई की, वाई की मैंने कैलकुलेट की 2.0447। हाँ जी, किसी ने चेक किया है इसको? यस सर, सही है, सही है। तो हाँ वो थोड़ा सा फर्क होगा, मैंने फिक्स किया हुआ चार पे, मैंने चार पे, आप अगर फिक्स नहीं कर रहे हैं तो 2.0447 है, ठीक है। अच्छा अभी मैं वाई के लिए कह सकता हूँ कि जब एटलीस्ट एक कप कॉफी पीने वाला हो तो उनकी जो मीन है वो दो कप कॉफी की निकलेगी, कह सकते हैं? ये कह रहा था ना, सपोज वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन एडल्ट्स हु ड्रिंक एटलीस्ट वन कप ऑफ कॉफी ऑन एन एवरेज, तो नंबर ऑफ कॉफी कंज्यूम होने, तो जो नंबर ऑफ कॉफी कंज्यूम हो रहा है उसका मीन नंबर ऑफ कॉफी 2 आ रहा है। किसी ने एक्स के लिए काम किया है, एक्स निकाला है, या इसी में ऐड कर दें अगर हमारे पास? हाँ जी, इसी में अगर हम क्या ऐड कर दें, मगर वो तो जीरो हो जाएगा ना हमारा, दोनों सेम आएगा बल्कि, क्योंकि वो जीरो मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें, तो नहीं मगर उसकी प्रोबेबिलिटी बेटा डिफरेंट हो जाएगी। देखें एक्स की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगी तो वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट नंबर जरूर होगा, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी इसलिए डिफरेंट होगी, बाकी नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप 1014 से डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये आपको समझ आ गया होगा। तो अभी हम 10 मिनट का आई रिलैक्स ब्रेक कर रहे हैं, मतलब जेन को रिलैक्स करें, ठीक है। तो आप लोग ना लॉग आउट नहीं होएगा, मैंने जरा वो अटेंडेंस लेनी, तो मैं पार्टिसिपेशन लिस्ट से ले रहा हूँ, तो आप लोग 10 मिनट का भले रिलैक्स करें, ठीक है जी। मैं म्यूट पे जा रहा हूँ।
ओके जी, वेलकम बैक, लेक्चर टू ले रहे ठीक है, तो होपफुली सारे यार होंगे। डिस्क्रीट प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली ये जो चैप्टर फाइव है, तो इसमें तो स्टार्टिंग ये आइडिया था कि चले रैंडम वेरिएबल से अवेयर हो जाए। तो रैंडम वेरिएबल सिंपली ये होता है कि एक ऐसी वैल्यू जो चांस पर डिपेंड करे, और बेसिकली वो एक फंक्शन होता है, तो वो इनपुट सैंपल स्पेस से लेता है, यानी जो सैंपल स्पेस के आउटकम होते हैं वो उसके इनपुट होते हैं, और आउटपुट में वो किसी भी रियल नंबर से एसोसिएट हो सकता है। स्पेसिफिकली अगर डिस्क्रीट है तो वो किसी इंटीजर से एसोसिएट हो जाएगा, और अगर कंटिन्यूस है तो किसी रियल नंबर के इंटरवल से एसोसिएट हो जाएगा, और फाइनली दोनों का ताल्लुक सेट ऑफ रियल नंबर से ही होगा। ठीक है, तो उसमें फिर रैंडम वेरिएबल जब हम समझ गए, क्योंकि रैंडम वेरिएबल के लिए आपको एटलीस्ट जो आइडिया क्लियर होना चाहिए एक्सपेरिमेंट की अंडरस्टैंडिंग और उसका सैंपल स्पेस कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। जब वो हो जाता है तो फिर तीसरी बात ये देखते हैं कि आपको रैंडम वेरिएबल दिया क्या गया है, डिफाइन क्या है, और उसकी बेसिस पर आप उसकी पॉसिबल वैल्यू जनरेट कर सकते हैं, और पॉसिबल वैल्यू जनरेट करने के बाद फर्दर उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद आप, क्योंकि रैंडम वेरिएबल एक क्वांटिटेटिव नंबर होता है, उसका मीन भी फाइंड कर सकते हैं और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरियंस भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई है। अब हम आ रहे हैं बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस पे और फिर कोवेरिएंस पे, ठीक है। मुझे सिर्फ एक आइडिया चाहिए और वो मुझे याद है लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था, क्रॉस टेबुलेशन या कंटिजेंसी टेबल, याद है आप लोगों को? जी यस सर, याद है, जब टू वेरिएबल्स होते हैं। शाबाश। क्रॉस टेबुलेशन बेसिकली दो वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, एक वेरिएबल कॉलम में पोजीशन लेता है जिसमें जितनी भी कैटेगरीज होती हैं वो उसकी कॉलम्स बनाती हैं, और दूसरा पोजीशन रो में वेरिएबल टेक प्लेस करता है कंटिजेंसी टेप में, और जितने भी उसकी कैटेगरीज हैं वो रो क्रिएट करवाती है। तो अब देखें, ये टाइटल है बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर आपको थोड़ा डिफरेंट या मुश्किल नाम लग रहा है तो ये कतई मुश्किल नहीं है। आप सिंपल, अब जो डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे ना वो दो वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। जैसे मिसाल देता हूँ कि हम रो वेरिएबल को एक्स से डिनोट करेंगे, वो रैंडम वेरिएबल एक्स हो जाएगा, और वाई को हम डिनोट कर देंगे कॉलम वेरिएबल से, वो हमारा रैंडम वेरिएबल वाई हो जाएगा। अब बायवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है जॉइंट का आइडिया आ जाता है, मार्जिनल का आइडिया आ जाता है, कंडीशनल का आइडिया आ जाता है, तो वो सारे आइडिया वैसे ही सेम है जो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़े थे पिछले वीक में। पिछला वीक याद होगा क्रॉस टैब में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी निकालना सीखी, जॉइंट भी सीखी, मार्जिनल भी सीखी। तो शॉर्टली कहूँ, अब आपकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो दो वेरिएबल की इंफॉर्मेशन कंटेन करेगी, तो उसको हम बायवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, और दो वेरिएबल के दरमियान जो ताल्लुक होता है वो कोवेरिएंस से देखा जाता है, ठीक है। मैं एक यहाँ पे रिकॉल चाहूंगा, उसको थोड़ा एसोसिएट कर सकूं। स्कैटर्ड प्लॉट याद है, उस पर बात की थी, क्या पर्पस होता था उसका, किसी को थोड़ा सा याद हो? जस्ट मुझे पर्पस चाहिए। डिस्पर्स होता है जब, ठीक है, डेटा कितनी स्प्रेडेड है, ठीक है, उसमें वो तो देखते हैं, मगर उसमें जो मेन आइडिया ये होता है कि वो दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल के दरमियान ताल्लुक के बारे में बताता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट एंड। जी जी शाबाश, ये इसका मेन आइडिया था। तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पर आपका पहला वेरिएबल होता था, वहां पर रेंडम की बात नहीं की थी, बस हमने कहा था क्वांटिटेटिव वेरिएबल एक्स, वाई भी क्वांटिटेटिव है, और फिर हमने उनका रिलेशनशिप जानने के लिए एक इजी टूल देखा था ग्राफिकल, कि आप स्कैटर्ड प्लॉट बना लें, ठीक है। और उसमें अगर हम देखते थे कि वो जो पॉइंट्स हैं वो अगर एक पॉजिटिव ट्रेंड ले रहे हैं अपहिल ट्रेंड में, या उसके लिए जो हम स्ट्रेट लाइन इस्तेमाल करेंगे वो अपवर्ड ट्रेंड के साथ होगी, तो हम कहते थे डायरेक्ट रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर नेगेटिव स्लोप के साथ आ जाता था, यानी डाउन हिल में आ जाता था नेगेटिव, और अगर हॉरिजॉन्टल होता था तो हम कहते थे देयर इज नो एसोसिएशन, ठीक है। वो आपने पढ़ा था आम से वेरिएबल के लिए, एक्स और वाई कुछ भी वेरिएबल है आम से, अभी हम पढ़ रहे हैं बस वही आइडिया रैंडम वेरिएबल के लिए, ठीक है। तो एक चीज और बता दूं कि स्कैटर्ड प्लॉट पढ़ा था ना, तो वहां पे याद करें कोवेरिएंस और कोरिलेशन था, जो मैंने कहा था मैं रिग्रेशन के साथ पढ़ाऊंगा, मैंने उस वक्त छोड़ दिया था,
तो ये वही चीज है कोवेरियंस, मगर बस एक फर्क याद रखें, अभी जो कोवेरियंस पढ़ेंगे उसमें दोनों वेरिएबल्स रैंडम होंगे और कुछ भी चेंज नहीं है। और जो बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है बट दो वेरिएबल की होती है। तो होपफुली टाइटल समझ में आ गया होगा। अब हम एक ऐसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे जिसमें दो रैंडम वेरिएबल होंगे और उसके दरमियान ताल्लुक को जानने के बारे में बात करेंगे तो कोवेरियंस चाहिए होगा। तो ये समरी थी हमारी, अब देख लेते हैं इसका थोड़ा इंट्रो देखते हैं। अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्विंग टू रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड अ बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो होपफुली ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। फिर कहता है इन डिस्कसिंग बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज यूजफुल टू थिंक ऑफ अ बाईवेरिएट एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये जो बाईवेरिएट एक्सपेरिमेंट कह रहा है ना, वो यही कह रहा है कि दो वेरिएबल के एक साथ एक्सपेरिमेंट और वो एसोसिएटेड हो। आगे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कहता है ईच आउटकम्स फॉर अ बाईवेरिएट एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टू वैल्यूज, वन फॉर ईच रैंडम वेरिएबल। जैसे मिसाल के तौर पर एक्स कैपिटल एक्स पहला रैंडम वेरिएबल है, कैपिटल वाई दूसरा रैंडम वेरिएबल है। कैपिटल एक्स की पॉसिबल वैल्यूज एक्स की होंगी, कैपिटल वाई की भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी। तो जाहिर है जब वो दोनों बाईवेरिएट एक्सपेरिमेंट अगर एग्जिस्ट करेगा तो एक साथ एक्स और वाई भी एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल है, हम वो एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द बाईवेरिएट एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस। अब मिसाल के तौर पर आप एक डाइस का पेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो डाइस के पेयर में आप कहते हैं पहला डाइस जो है वो ग्रीन कलर का है और दूसरा डाइस रेड कलर का है, या पहला जो डाइस है वो डाइस नंबर वन है, या लेबलिंग कर दें भले, या दूसरा डाइस डाइस नंबर टू है। तो अब आप देखेंगे वहां पर ये बाईवेरिएट है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर पहला डाई ग्रीन है और दूसरा डाई रेड है तो मैं कहूँ कि जी ग्रीन में टू आए और रेड में थ्री आए, तो वो जॉइंटली हम देख सकते हैं 2,3 से डिफाइन होगा। तो ये एक बाईवेरिएट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अच्छा जी, ये आगे डिफाइन भी कर रहा है जो मैं बता चुका हूँ। द आउटकम कंसिस्ट ऑफ टू वैल्यूज। आपको पता है जब दो हम डाइस को रोल करते हैं या एक पेयर ऑफ डाइस रोल करते हैं तो दो वैल्यू होती है, एक पहले के लिए एक दूसरी के लिए। तो इसलिए हमारा आउटकम दो वैल्यू पे कंसिस्ट करेगा, द नंबर ऑब्टेन विद द फर्स्ट डाई एंड द नंबर ऑब्टेन विद द सेकेंड डाई। तो ये एक मिसाल आ गई, दो डाई को रोल करना एक बाईवेरिएट एक्सपेरिमेंट है। एज अनदर एग्जाम्पल कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑब्जर्विंग द फाइनेंशियल मार्केट फॉर अ ईयर, ठीक है। मैं फिर पढ़ता हूँ, एज अनदर एग्जाम्पल कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑब्जर्विंग द फाइनेंशियल मार्केट्स फॉर अ ईयर एंड रिकॉर्डिंग द परसेंटेज गेन फॉर अ स्टॉक फंड एंड अ बॉन्ड फंड। हाँ जी, ये थोड़ा सा अवेयर होंगे, बेसिक आइडिया थोड़ा सा आप लोगों को फाइनेंस में कुछ टर्मिनोलॉजीज का और होगा। आपको पता होगा स्टॉक्स होते हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह होती है, स्टॉक फंड होते हैं, बॉन्ड फंड होते हैं। तो आपने कहा एक फाइनेंशियल मार्केट है और किसी एक पर्टिकुलर ईयर में आप परसेंटेज गेन को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसमें जो आपका पहला रैंडम वेरिएबल है वो परसेंटेज गेन ऑफ स्टॉक फंड है और जो दूसरा रैंडम वेरिएबल है वो परसेंटेज गेन ऑफ बॉन्ड फंड है। तो ये भी आप देख रहे हैं बाईवेरिएट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अगेन द एक्सपेरिमेंट आउटकम्स प्रोवाइड अ वैल्यू फॉर टू रैंडम वेरिएबल्स, द परसेंट गेन इन द स्टॉक फंड एंड द परसेंट गेन इन द बॉन्ड फंड। तो कह रहा है वो आगे, व्हेन डीलिंग विद बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वी आर ऑफन इंटरेस्टेड इन द रिलेशनशिप बिटवीन द रैंडम वेरिएबल्स। ये अब वो कोवेरियंस की बात कर रहा है। इन दिस सेक्शन वी इंट्रोड्यूस बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन एंड शो हाउ द कोवेरियंस एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट कह लें कि एडवांस कैलकुलेशन है कोवेरियंस की, यानी कोवेरियंस से ताल्लुक तो मिल जाता है, उसमें कुछ और कह लें कि हम बेटर तरीके से जब रिलेशनशिप जानना चाहेंगे तो कोवेरियंस का एडवांस वर्जन है कोरिलेशन, कैन बी यूज एज अ मेजर ऑफ लीनियर एसोसिएशन बिटवीन द रैंडम वेरिएबल्स। तो शॉर्टली इस इंट्रो में ये बताया जा रहा है बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन दो रैंडम वेरिएबल के डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनको बाईवेरिएट कहते हैं और जब भी वो एक्सपेरिमेंट हैपन होगा तो दो पॉसिबल वैल्यू होगी, एक एक्स की और एक वाई की। और आपके पास जब उन दोनों के ताल्लुक के बारे में बात करेंगे तो वो जो मेजर होता है वो कोवेरियंस होता है और उसको फर्दर एक एडवांस कैलकुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट से भी कैलकुलेट किया जाता है। तो ये जी हमारा इंट्रो था। अब इन्होंने अपनी सारी जो कहानी एक्सप्लेन की वो एक एग्जाम्पल पे की, एग्जाम्पल बड़ी थी मैंने यहाँ पर नहीं की, वो आप बुक से ही देखिएगा, ये लिख दिया मैंने। अब बाईवेरिएट एम्पेरिकल डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और सिंपली अगर आपने कंडीशनल टेबल वो प्रोबेबिलिटी में या जॉइंट में आपने जो क्रॉस टेप समझा हुआ था ये सेम वही आइडिया, ठीक है। तो एडवाइस दे दिए सीधी पर्टिकुलर एग्जाम्पल फ्रॉम जी डेविड आर्मस्ट्रांग और पेज नंबर लिख दिया 234 पर है, तो मैं उस पर आ जाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग उसको देख लें।
ये आपका टॉपिक है और ये तो इन्होंने, मैं क्विकली बताता हूँ कि इन्होंने किया क्या है कि ये देखें, ये टेबल में इंफॉर्मेशन है, ये ऑटोमोबाइल सेल आउट का डेटा है और जो ये डाइकॉलो कोई कंपनी कह लें उनके ना दो स्टेशन या दो लोकेशन का ना ऑटोमोबाइल सेल आउट का डेटा है, ठीक है, तो वो देख लें। द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल सोल्ड, पहली बात यहाँ पे रेंडम वेरिएबल नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल सोल्ड है एट डाइकॉलो सेराटोगा एंड जिनेवा डीलरशिप ओवर 300 डेज, 300 दिन में, ठीक है, जो नंबर ऑफ डेज है आपके ओवर 300 डेज, तो वो आपके पास जो नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल सेल आउट का डेटा है वो आपके पास मौजूद है। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, पहले ये बताइए कि सेराटोगा डीलरशिप में जो नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल सेल आउट है उसकी कितनी कैटेगरीज हैं टोटल इंक्लूडिंग जीरो? हाँ जी, टेबल देख के बता दे मुझे। सेराटोगा का पूछा पहले वाले का, रो वेरिएबल कॉलम वेरिएबल का बेटा, ये इंक्लूडिंग जीरो सिक्स है, मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ, और जेनेवा डीलरशिप में 4 है। अब मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। जीरो का मतलब है आपके पास ऐसे दिन जब जेनेवा सेराटोगा डीलरशिप ने एक भी कार सेल आउट नहीं की, और ये अब रिमेम्बर क्योंकि ये एक क्रॉस टेबुलेशन है ना, तो ये ज्वाइंट इंफॉर्मेशन दे रहा है, ज्वाइंट से अब लव समझ गए होंगे, तो इसमें हम सिर्फ सेराटोगा नहीं इसको भी साथ करेंगे, अगर मगर इंडिविजुअल भी देंगे तो भाई सेराटोगा ने अगर देखा जाए 21 दिन ऐसे थे ज्वाइंटली, बट अब ज्वाइंटली और जेनेवा डीलरशिप जिन्होंने इन्होंने एक भी कार सेल आउट नहीं की या नहीं हो सकी इनसे, ठीक है। अब अगर मैं इस नंबर की बात करूं, ये वाला, इसकी कोई इंटरप्रिटेशन बताएगा ये 5 वाले की? हाँ जी, जिसको मैंने अभी कर्सर से हाईलाइट किया सर, मतलब 5 दिन ऐसे हैं जब सेराटोगा डीलरशिप ने 4 ऑटोमोबाइल्स जो है वो बेची हैं और जो जेनेवा डीलरशिप है वो 3 है। बहुत अच्छे, शाबाश, तो होपफुली अब आपको इनसाइट मिल गई टेबल की, और ये टेबल अगर जिसने क्रॉस टैप किया हुआ उसको मैं समझता हूँ उसको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और जिनको प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा क्रॉस टैप रिकॉल कर लें। तो बहुत अच्छी इंटरप्रिटेशन दी आपने कि सेराटोगा डीलरशिप ने और जेनेवा डीलरशिप ने 5 दिन ऐसे थे कि उन्होंने 4 कार बेची और उन्होंने 3 बेची, तो ये ज्वाइंट इंफॉर्मेशन है। मैं एक वो वर्ड ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सेराटोगा डीलरशिप और जेनेवा डीलरशिप एक कंपनी है डायकार्लो उनका है और ज्वाइंट इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो क्रॉस टैब आपको ज्वाइंटली इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। दैट्स वाई आपने वहाँ पे जो इसको हम ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, तो ये थोड़ा सा अपने वोकैब में इजाफा कर लें, बाय वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन को ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, तो इससे होपफुली कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। फिर सुन लें, बायवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन को ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं क्योंकि ये दो वेरिएबल की ज्वाइंटली इंफॉर्मेशन देता है। बायवेरिएट इसलिए कह रहा है दो पर्टिकुलर वेरिएबल हैं, तो इस वजह से होपफुली ये नंबर क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो सेराटोगा की जो लो कम से कम उन्होंने कोई भी कार नहीं बेची और ज्यादा ज्यादा 5 बेची है उस 300 दिन के अंदर, जेनेवा ने कम से कम कोई भी कार नहीं बेची और ज्यादा ज्यादा 1 दिन में 3 कार बेची है आपके पास, ठीक है। तो ये सारे समझ आए, जैसे ये 33 के इंटरप्रिटेशन दो कि 33 डेज ऐसे थे जब सेराटोगा डीलरशिप ने 2 कार बेची और उन्होंने 1 बेची है, ठीक है। अच्छा, इसकी इंटरप्रिटेशन कोई बता दे आसान लफ्जों में, ये जीरो वाले की जिस पे मैंने कर्सर रखा है अभी। जी सर, मतलब कोई भी ऐसा जिसमें सेराटोगा ने 5 कार बेची और जेनेवा ने 3, तो यानी दोनों ने अपनी हाईएस्ट नंबर ऑफ सेलिंग एक साथ किसी दिन की हो, तो ऐसा कोई दिन एग्जिस्ट नहीं कर रहा 300 में। होपफुली अब समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, याद है इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करते थे, ये तो हमारे नंबर्स है ना या फ्रीक्वेंसीज है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे लेंगे? डिवाइड करेंगे। ये जो बॉडी के अंदर प्रोबेबिलिटीज होते हैं इनको क्या कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? ये बेटा लास्ट नंबर जॉइंट प्रोबेबिलिटी 21/300, 18/300। बेटा म्यूट पे चले जाएं, तो इस तरह से फिर आपके पास जो है ना सारे जो नंबर्स हैं आप कर लेंगे, और ये बताएंगे ये मार्जिन्स में अगर जो प्रोबेबिलिटीज आती थी उनको हम क्या कहते थे? ये राइट वाला मार्जिन है जो रो के थ्रू आ रहा है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। तो क्रॉस टैब याद है तो बेटा ये आसान है बहुत, कोई मुश्किल नहीं, तो होपफुली समझ आ गया होगा। तो आइडिया क्या है कि अच्छा जी हम
ने पहले जो क्रॉस टेबल देखा था वो प्रोबेबिलिटी के लिए देखा था और दो वेरिएबल की इन्फॉर्मेशन थी. अब क्या फर्क है, अब पता है कि फर्क है. अब आप जो देख रहे हैं ना वो दोनों वेरिएबल रैंडम है, यानी उनमें रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो गया और नथिंग कोई उसमें चेंज नहीं है. ठीक है, तो ये आप होपफुली अब समझ गए. ये देखे इन्होंने तैयार कर ली प्रोबेबिलिटी का टेबल और ये प्रोबेबिलिटी के टेबल में ये मार्जिनल है और आपको पता होगा अब जैसे सैराटोगा डीलरशिप के 6 कॉलम है तो इनके कॉलम का सम भी 1 होना चाहिए. जिनेवा डीलरशिप के 4 रोज हैं तो इनके कॉलम का सम भी 1 होना चाहिए और ये इनकी जॉइंटली प्रोबेबिलिटीज हैं. तो ये जो आप देख रहे हैं ना प्रोबेबिलिटी फॉर्म में, ये तो हमारा डेटा है क्रॉस टेबुलेशन है फ्रीक्वेंसी में. इसकी जैसे ही आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार कर लेते हैं ये बेटा बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा. ठीक है, मैं पढ़ता हूँ इसका टाइटल, देखें डिटेल आप लोग बाद में पढ़िएगा क्योंकि टाइटल में सारी इन्फॉर्मेशन है ऑलमोस्ट. बाईवेरिएट या जॉइंट भी कह सकते हैं, बाईवेरिएट एम्पेरिकल डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, एम्पेरिकल क्यों कह रहे हैं क्योंकि जो रिकॉर्डेड डेटा है एम्पेरिकली जो डेटा ऑब्जर्व हुआ उस पे. डिस्क्रीट क्यों कह रहा है क्योंकि डिस्क्रीट नंबर्स में. ठीक है, तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं और बाईवेरिएट भी कह सकते हैं. किसके लिए आगे मेंशन कर रहा है, फॉर डेली सेल्स एट डाईकॉलर डीलरशिप्स इन सैराटोगा एंड जिनेवा न्यूयॉर्क. ठीक है जी, तो ये बेटा बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है. तो अब आप कहेंगे पहले भी तो देखी थी पिछले लेक्चर में, वो भी बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन थी बट उसको रेंडम वेरिएबल के बगैर देख रहे, तो सिर्फ हमने उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी कहा था. ठीक है, तो ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन इन दैट सेंस कि अगर मैं इसको मिसाल एक्स वेरिएबल दूं तो एक्स की 4 पॉसिबल कैटेगरीज है 0, 1, 2, 3. इसको वाई वेरिएबल दूं तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है और ये दोनों ही वेरिएबल रैंडम है. आप देखें ना कार सेल आउट होना एक रैंडम प्रोसेस है ना आपका, तो ये तो चांस पे डिपेंड करता है. अब ये इन्होंने क्या किया है जी, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली है और ये इसका वेरियंस निकाला है. अच्छा रिमेम्बर एक चीज और है, अब आप देख रहे होंगे अच्छा ये क्या ऐसा अचानक कहां से आ गया, ये जरा देख लें क्योंकि मैंने ये सारी चीजें बुक से. इन्होंने क्या किया ये पढ़ें, अब वो सारा इंफॉर्मेशन आ गया. सपोज वी वुड लाइक टू नो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टोटल सेल्स. हाँ जी, टोटल सेल्स एट बोथ डाईकॉलर डीलरशिप्स एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरियंस ऑफ द टोटल सेल्स. तो टोटल सेल्स फिर आपकी बेटा इस एक्सप्रेशन से डिफाइन होगी मैथमेटिकली जी, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर. ठीक है, एक्स तो आपकी अगर मिसाल है, वैसे तो मैं मेंशन ही या मेंशन कहीं होगा देख लेते हैं, बट एक्स मिसाल है जिनेवा डीलरशिप का वेरिएबल है और सैराटोगा वाई का है. अब मैं कहता हूँ बेसिकली एक ही कंपनी के दोनों डीलरशिप है, अब हमारा इंटरेस्ट है टोटल डीलरशिप पे, टोटल सेल्स पे सॉरी. तो कैसे मिलेगा, कंबाइन कर लें एक्स प्लस वाई. अब जब एक्स प्लस वाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास, अब देख ले ये डिफाइन क्या हुआ है, ये F जब S 0 इसका मतलब समझ रहे हैं S 1 S 2 ये नंबर कैसे आएंगे, 2 कब आएगा आपका मुझे बताएं, 2 कब आएगा, S की वैल्यू 2 कब हो सकती है, ये टेबल देख के बताएं. S X प्लस Y के बराबर है. ठीक है, जी बेटा ये x की वैल्यूज है, ये 0, 1, 2, 3 ये y की वैल्यूज है. फिर वो सारी पॉसिबिलिटीज लेंगे, हम सारी पॉसिबिलिटीज लेंगे, वो मैं बताता हूँ. पहले सुन लें, x नॉर्मली क्या होता है, जो रो से वेरिएबल जनरेट होती है उसको x से डिनोट करते हैं. ठीक है, और जो y से जनरेट होती है उसको y जनरेट करते हैं. ठीक है, तो सेल्स हमारा x प्लस y था, यहाँ एक इसने इंटरप्रिटेशन दी है. We see that the joint probability of selling 0 automobiles at Geneva and 1 automobile at Saratoga on a typical day is F0,1. X0,1 और ये 10% है. 0,1 पर आ जाए, ये 0 और 1 ये देखें. तो ये इसको मैं लिख के बता दूं. अब जो आप probability लिखेंगे ना वो इस तरह से लिखेंगे F एक्स कॉमा वाई. अब आपकी प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखी जाएगी, दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है. और इसको मैं अगर प्रोबेबिलिटी फॉर्म में लिखूं तो बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, वही आइडिया है जो आप दे. आप कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स, पहला रैंडम वेरिएबल जब वो कोई पर्टिकुलर एक्स के बराबर हो, कॉमा कॉमा लगा देंगे जैसे ये कॉमा है, और कैपिटल वाई बराबर हो कोई पर्टिकुलर वाई के.
तो ये वही आइडिया अब आप जॉइंटली देख रहे हैं, तो होपफुली ये समझ आ गया होगा, इस एफ से मुराद ये प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, ठीक है। अच्छा ये x की वैल्यू 0 है, 1 है, 2, 3, x की यहाँ पर चार पॉसिबल वैल्यू, ये y की वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल सेल्स स्मॉल s से डिफाइंड हुआ x प्लस y। अब जैसे मैंने कहा f ऑफ s 2 के बराबर है, तो मुझे वो सारी प्रोबेबिलिटीज देखनी है जहाँ पे x प्लस y 2 के बराबर बन रहा है। एक तो 1, 1 वाले से बनेगा, ये देखें x 1 और y 1 2 बनेगा आपका, ठीक है। अच्छा अगर आप देखें x 2 और y 0 तब भी तो बन सकता है, तो सारे पॉसिबिलिटीज देखने हैं। और ये भी पॉसिबिलिटीज है कि आपका x2 हो और y0 हो। तो मैं अगर इसको दिखाऊं आपको, ये आपके पास जो है ना तीन वैल्यू जो डायगोनली आ रही हैं, ये देखें ये वाली 0.0800, क्योंकि यहाँ पर x0 है और y2, तो x प्लस y यहाँ पर s2 हो जाएगा। अच्छा ये देखें, ये चले वो डायगोनली मेरे पास मूव नहीं कर रहा है, ये वाला यहाँ पर x0 और y2, तो 0.2 पर प्रोबेबिलिटी यानी s2 है यहाँ पर 0.08 है। ये वाली भी जो सिचुएशन है यहाँ पे भी s2 है क्योंकि x1 है और y1 है, और ये वाली सिचुएशन यहाँ पर x2 और y0, इन तीनों का सम कर लें 3% 12% कितना हो गया 23%, ये देखिएगा 23 होगा, ये रहा दिखा रहा है आपको, तो होपफुली ये समझ आ गया होगा आपको। तो आपने याद रखें अगर कोई नया रैंडम वेरिएबल, ऐसे एक नया रैंडम वेरिएबल है टोटल सेल्स, और वो डिफाइन कैसे हो रहा है, दोनों रैंडम वेरिएबल को सम कर लिया, तो ये याद रखें कि कोई नया रैंडम वेरिएबल पुराने रैंडम वेरिएबल की बेस पे भी डिफाइन हो सकता है, और वो गिवन होगा, आपकी आपको नहीं कहा जाएगा कि आप डिफाइन करें, रैंडम वेरिएबल हमेशा दिए जाते हैं, आपको उस दिए गए के मुताबिक काम करना होता है। अभी जो नया रैंडम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दिया ऐसे, और ऐसे कुछ भी नहीं है, जस्ट उन दोनों का सम है। तो अब होपफुली ये समझ गए होंगे, अब ये जो बायवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जो x और y की जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूशन है और एक साथ इन्फॉर्मेशन कंटेन कर रही है, अब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं फॉर टोटल सेल्स। तो कैलकुलेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरियंस फॉर टोटल डेली सेल्स एट डाई कार्लो मोटर्स, ये रहा टोटल डेली सेल्स का, ये पॉसिबल वैल्यूज एस की, अब देखें एस की मैक्सिमम वैल्यू 8 जाएगी, आप खुद देख लें। हाँ जी 8 कैसे जाएगी, एस की मैक्सिमम वैल्यू 8 कब होगी, कोई बताएगा मुझे? सर 5 जो है वो सेराटोगा, मतलब y प्लस 1 सम जब करेंगे तो 5+3 8 हो जाएंगे। तो जेनेवा डीलरशिप की मैक्सिमम वैल्यू 3 है और सेराटोगा की मैक्सिमम वैल्यू 5 है, दोनों का सम कर ले 8, और मिनिमम वैल्यू इनकी क्या होगी एस की जब एक्स प्लस वाई करें तो मिनिमम 0। उम्मीद है अब समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये yes, sir. जी सफीउल्ला पूछो बेटा। सर मैं कह रहा था कि काफी टाइम हो गया है, काफी टाइम कैसे, मतलब हमारे तो 6 तक बल्कि 6:15 तक चलेगा, 10 मिनट का ब्रेक भी लिया, 3 घंटे का होता है ना सेशन, 2 घंटे का होता है ना, 3 का होता है। वाह वाह शाबाश, चले अभी छोड़े इन बातों को, ठीक है। अच्छा ऐसा आ गया है, अब बेटा ये प्रोबेबिलिटीज ना हम यहाँ से निकाल रहे हैं, और ये आप देख लें कुछ इसने इंफॉर्मेशन दी है, जैसे ये S2 है तो कैसे निकल रहा है, S1 में S1 कब कब होगा, 0-0 पर, 0-1 पर और 1-0 पर, ये तीनों सम कर लिया 7% 7% 10, तो ये आपका 10 और 7 17 और 7 24 हो जाएगा। तो ये देख लें ये इसने सम कर लिया, ठीक है। तो आइडिया ये है आपके पास के इस तरह से ये नंबर्स निकाल लें। अच्छा आपको याद होगा जब आप किसी भी रैंडम वेरिएबल का मीन निकालते थे तो कैसे निकालते थे, उस वेरिएबल की वैल्यू को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो अभी नया वेरिएबल जो टोटल सेल्स है वो क्रॉसपोंडिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई होकर सम आएगा, तो ये आ जाएगा, ये एक्सपेक्टेड सेल्स है। अब ये इंटरप्रेट क्या कर रहा है कि किसी भी टिपिकल डे पे, ऑन एनी टिपिकल डे द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सेलिंग कार एट बोथ डीलरशिप इज 2.64, या ऑन एवरेज 3 कार कह लें या 2.64 कह लें, समझ आ रही बात। अच्छा ये आगे कैलकुलेशन बेटा वेरिएंस की है, वेरिएंस याद होगा हर एस वैल्यू में से उसका मीन निकालते थे, एक्सपेक्टेड ऑफ एस, मेरा ख्याल है अब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, मीन है, स्क्वायर कर लेते थे और एफ ऑफ एस से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये वेरियंस आ गया। और जो वेरियंस वेरियंस है ना आपका, या वेरिएंस ही होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्क्वायर रूट लेकर आएगा, वो दोनों डीलरशिप पे वो 2.38 है। किसी भी टिपिकल डे पे कार
सेलिंग की जो डेविएशन है वो 2.38 है आपके पास, तो वेरिएशन ज्यादा है इनका, ठीक है। तो अब आइडिया, ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई, तो हमें क्या करना है कि ये तो हम चलें, डेटा गिवन होगा या डेटा देखें गिवन होता है, गिवन होगा या डिस्क्रिप्शन में होगा या टेबल में, आपने ये टेबल तैयार करना है। कोई नए रैंडम वेरिएबल पे काम करेगा तो वो भी डिफाइन करेगा, जैसे ये देखें ये आपको डिफाइन किया हुआ था आपके पास, ठीक है, ये नया रैंडम वेरिएबल था टोटल सेल्स का। एस के क्रॉस पॉइंटिंग हमने प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार की, उसकी एक्सपेक्टेशन ली, उसकी वेरियंस ले ली। अब यहाँ तक तो ठीक है, हम एक्सपेक्टेशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं, वेरियंस को। अब अगर मैं कहूँ चले इन दोनों का ताल्लुक निकाल लें कि जो एक्स और सेराटोगा की जो कार की सेलिंग आउट है उनका आपस में ताल्लुक कैसे है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। मतलब ऐसा तो नहीं कि जब सेराटोगा में ज्यादा कार सेल हो रही होती तो जिनेवा में कम हो रही थी, या जिनेवा में कम हो रही तो सेराटोगा में, या दोनों का एक जैसा था, कोई खास वो बिहेवियर नहीं था, तो वो बेटा आप कोवेरियंस निकालेंगे। और कोवेरियंस जो है आपके पास वो कैसे निकालेंगे, जो नया वेरिएबल है ना उसका वेरियंस ले लें। देखें अभी हमारा x प्लस y जो है वो s के बराबर है, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ लिखा हुआ अभी है, ये देखें, ये इसका एक अल्टरनेटिव फार्मूला भी, ये ज्यादा आसान रहेगा। तो आप क्या करेंगे, सम करके जो नया वो ले लेंगे, दोनों का इंडिविजुअल वेरियंस, और वो उठा के पुट करके, जैसे सम वाले में से इसका माइनस और फिर आप वो 2 से डिवाइड करें, तो ये कोवेरियंस मिल जाएगा। अच्छा आपको एक आसान बात बताऊं, ये जो फॉर्मूला है ये बेटा सबसे आसान फॉर्मूला है, ये देख रहे हैं क्या क्या चाहिए, मैं लिख के बता देता हूँ इस फॉर्मूले को। मैं ये अल्टरनेटिव फॉर्मूला है, आपकी बुक में नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखें, अगर हम कहते हैं कि सिग्मा लेन कोवेरियंस का सिंबल सिग्मा एक्स वाई है, तो हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू वाई लेना हमने। अब आप कहेंगे x into y कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आप x की एक्सपेक्टेशन ले रहे थे वही आइडिया। अच्छा इधर मीन ऑफ x आ जाएगा, मीन ऑफ x का मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ x है, और मीन ऑफ y आ जाएगा, ये तो आप कैलकुलेट कर लेंगे इंडिविजुअल। x का मीन अलग कैलकुलेट करेंगे, y का मीन अलग कैलकुलेट करेंगे, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे देखें इसको मैं बता रहा हूँ। एक्सपेक्टेशन ऑफ x का फॉर्मूला किसी को याद है, जो डिस्क्रीट में अभी हमने पढ़ा था, हाँ जी कैसे लेते हैं, जो मीन होता है एक तरह से, क्या करते हैं हम, किसी को याद है ये? Yes, sir. हर sum of x, हर x वैल्यू को, मैं ऐसे बता रहा हूँ, देखिए हर x वैल्यू को उसकी क्रॉसपॉन्डिंग प्रायोरिटी से मल्टीप्लाई कर दें, सारी वैल्यू के लिए परफॉर्म करके उनको क्या कर लें आपस में सम कर लें, याद है? तो बेटा यही सेम आइडिया इधर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब एक्स इंटू वाई है तो हम ऐसे लेंगे, एक्स इंटू वाई किससे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से, क्योंकि अभी वाली डिस्ट्रीब्यूशन बाय वेरिएट है, तो बाय वेरिएट की याद है प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं, ऊपर ये देखें लिख के बताई हुई मैंने, तो उसी की जॉइंट प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई होगा। हाँ जी, आप करेंगे मिसाल है 0.1 के लिए ले रहे हैं, एक्स 0 रख देंगे, वाई 1 रख देंगे, 0.1 पे प्रोबेबिलिटी क्या, उनको मल्टीप्लाई कर लें, इस तरह सारा परफॉर्म करके उनको आपस में आप क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। तो जब आप ये कर लेंगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। अच्छा मीन ऑफ एक्स बेटा वही आइडिया, मैं फिर भी लिख देता हूँ ताकि कोई मलंग बाबा परेशान ना हो। मीन ऑफ एक्स से मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ये आप अलग से निकालें, इसका डेटा गिवन है। अच्छा मीन ऑफ वाई एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, ठीक है, और ये आप कैलकुलेट कर लें, तो इस तरह से आप इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज्वाइंट फार्मूला आपको हेल्प करेगा, सही है। अच्छा अब इसमें एक चीज मैं और बता दूं आप लोगों को, ये देखिएगा, ये जो मैंने अभी कर्सर जिस पे किया, ये मुझे बताएंगे इन नंबर्स की इंटरप्रिटेशन क्या है, 0.18 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? टोटल सेल जीरो डेज फॉर सेराटोगा डीलरशिप, तो सेराटोगा डीलरशिप की जो सेल आउट की कार की तादाद है उसको हमने वाई से डिनोट किया है ना आपके पास, हाँ जी ऐसे, तो इसका मतलब ये एफ सॉरी इसको एफ नहीं इसको जी ले लेंगे, एफ ये हमारा स्मॉल जी से रिप्रेजेंट होता है, बल्कि वो एफ है वो जी और एच होता है, ये जी ऑफ जीरो होगा। जब वाई की वैल्यू जीरो होगी
तो उसकी प्रायोरिटी 0.18 है, जब y की वैल्यू 1 होगी उसकी प्रायोरिटी 0.39 है, इसमें इसका आप कोई रोल नहीं होगा, ये इसकी है। जब y की प्रायोरिटी 2 हो, जब y 2 होगा उसकी प्रायोरिटी 0.24 है, जब आपके पास आपके पास दिलीप कुमार बेटा ये बात करेंगे अभी अभी, इसके फिलहाल जरूरत नहीं, एंड में याद दिलाना। अच्छा 3 पर 0.14, 4 का 0.04 और 5 का, ये बेटा सारी y वैल्यूज की प्रायोरिटी है। इसी तरीके से जब आप इधर आ जाओगे लाइक ये वाला, ये सारा आप सिलेक्ट हो रहा है बट मैं आपको ये दे, ये वाला जो है जैसे ये, ठीक है, ये वाला, ये बेटा x की जो पॉसिबल वैल्यूज है उनकी प्रायोरिटी है। मैं कहूं जब x की वैल्यू 0 उसकी टोटल उसकी प्रायोरिटी क्या है, तो आप 0.2867 बताएंगे, x की वैल्यू 3 उसकी प्रायोरिटी 0.2। तो ये आप देख लें, वो जो आप मीन ऑफ एक्स निकालेंगे ना तो वो इन पर डिपेंड करेगा, और जो मीन ऑफ वाई निकालेंगे वो इन पर डिपेंड। ये तो है जब आप अल्टरनेटिव यूज करें, बाकी अगर कोई कहता है नहीं बुक के हिसाब से हम चल रहे तो वो भी ठीक है, नॉर्मली वो सम करके आप कर सकते हैं, सम वाला ही आइडिया आप लोग के लिए इस्तेमाल में आएगा, ठीक है जी। तो अब ये जो हम कर रहे थे आपके पास उसमें क्या कहते हैं, जो डाई कार्लो से रिलेटेड आपके पास थी एग्जाम्पल, तो इसमें देख लें ये x प्लस वाई एस है, तो s का वेरियंस हमने निकाला हुआ है, ठीक है, ये रहा हमारा s का वेरियंस 2.389, ये आ जाएगा x का वेरियंस, y का वेरियंस अलग से ये कैलकुलेट कर रहे हैं, और अभी मैंने बता दिया आप उसकी प्रोबेबिलिटी से कैलकुलेट कर लें, इन्होंने प्रीवियसली इस एग्जांपल को यूज किया है तो वो निकाल के मैं ये आ गया। अब ये जो आ रहा है ना आपका 0.1350, ये एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर पता है क्या बता रहा है आपको, के एक्स हाँ कि उनकी सेल में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है, और वो क्या है कि जी जब सेराटोगा और जेनेवा पे सेलिंग हो रही होगी तो उनका ट्रेंड जो होगा वो पॉजिटिव सेंस में नजर आएगा, कि अगर वो भी सेलिंग कर रहे हैं तो वो भी सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये अलग बात है कि वो रिलेशनशिप कितना मजबूत है, कितना मॉडरेट है, कितना वीक है, ये आगे बात होगी, और यही हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बात है हमारे पास के ये जो आप देख रहे हैं ना ये वाला, ये देखें, ये तो हमने कर लिया, मगर अब मैं कहूँ ना कि क्या आप इस नंबर की बेस पे बता सकते हैं कि ये ताल्लुक कितना मजबूत है। तो याद रखें कोवेरियंस जो होता है ना, इसके नंबर की लिमिट माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी में आती है, और इससे इसका ना ताल्लुक की मजबूती स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप नहीं पता लगती, वो उसके लिए हमें फर्दर एक और मेजर चाहिए होता है, और वो फर्दर कह लें कोवेरियंस से एक अच्छा कैलकुलेशन है, बेटर कैलकुलेशन है, या एडवांस उसका कैलकुलेशन है, और वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, ये वाला रो एक्स वाई करना क्या, अगर आप ध्यान से देखें ये अभी आपने कैलकुलेट करना सीखा है, आप कोवेरियंस ही निकालेंगे, सिग्मा ऑफ एक्स कुछ भी नहीं है, आपने अभी पिछले लेक्चर में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखा रैंडम वेरिएबल का, तो एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन अलग निकालेंगे, वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन अलग निकालेंगे, और इन दोनों को निकालने के बाद मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में रख देंगे, और ये जो नंबर आएगा ये स्केल हो जाएगा, और स्केल हो जाएगा, और इसका स्केल माइनस वन से प्लस वन के दरमियान होता है, ठीक है। तो ये आप करेंगे, ये देख लें ये कैलकुलेट इन्होंने डेटा से किया हुआ है, डेटा में अब ये जो एग्जाम्पल है ना, ये जो लाइनें हैं कुछ वो भले आप पढ़े, मगर ये डेटा में अगर मैं आपको बता दूं तो ये सारी प्रायोरिटीज वाई वेरिएबल की है, इसका आप एक टेबल फॉर्म बना सकते हैं, ये सारी प्रायोरिटीज एक्स वेरिएबल की है, क्योंकि हमारा एक्स वेरिएबल था जेनेवा डीलरशिप में नंबर ऑफ सेलिंग आउट, और वाई वेरिएबल था सेराटोगा डीलरशिप में नंबर ऑफ सेलिंग आउट। तो आप जब इसका सम करेंगे ये भी वन है, ये वाई वेरिएबल की प्रायोरिटीज है, जब इसका सम करेंगे ये भी वन है, ये एक्स वेरिएबल की प्रायोरिटी है, तो इनकी बेस पर आप मीन भी निकाल सकते हैं इसका अलहदा से, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं, इन्होंने सारी कैलकुलेशन वहीं से की है। ये देखें एक कैलकुलेशन देख लें कैसे किया, ये देख लें, बल्कि ये एक टेबल आ गई, टेबल 5.10 में आपके पास, ठीक है, x 0 1 2 3 4 कैलकुलेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ डेली ऑटोमोबाइल सेल्स एट डाई कार्लो मोटर्स जेनेवा डीलरशिप, ये देख रहे हैं 0.2867 0.3700 0.256 एंड 0.02, ये कहां से मिला, ये बेटा ये रहा इस टेबल से मिला, ये रहा, क्यों, क्योंकि ये x की पॉसिबल वैल्यू। तो होपफुली जब आपको अलग इंडिविजुअल ज्वाइंट के अंदर जब इंडिविजुअल काम करना पड़े तो बाई वेरिएट में जो मार्जिनल होते हैं ना वही x और y की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है,
रो वेरिएबल में, x की मार्जिनल होती है और कॉलम वेरिएबल में y की मार्जिनल होती है नॉर्मली, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अच्छा जी, तो हमारे पास बाकी एक्सपेक्टेशन आपने सीख लिए, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई, ये वेरिएंस आ गई, ये वेरिएंस निकाल लें। तो इसी तरह आप दूसरे का भी निकाल सकते हैं, ये सारे रख दें। आपको पता है ना ये वेरिएंस होता है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा। ये देखें इन्होंने स्क्वायर रूट लिया, इसका भी कैलकुलेट, और ये पड़ गया ये। अब ये जो नंबर हो गया ना, तो पहले याद रख लें कोरिलेशन कोफिशिएंट माइनस वन से प्लस वन के दरमियान होता है, ना कभी माइनस वन से छोटा होता है ना कभी माइनस वन से बड़ा होता है। तो ये मैं लिख दो, ठीक है। अच्छा, जनरली जनरली आपके पास जो कोवेरियंस है, पहले मैं कोवेरियंस के लिए बता दूं, ये बेटा प्लस इनफिनिटी से माइनस इनफिनिटी के दरमियान में होता है, ठीक है। और जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, ये रो का सिंबल है। अब ये स्केल हो जाता है, क्योंकि इसमें तो आपको पता ही नहीं ना बड़ा नंबर आने का क्या मतलब है छोटा, तो ये ऑलवेज होता है माइनस वन से प्लस वन के दरमियान, इंक्लूसिव में रखते हैं। अब फायदा क्या होता है, प्लस का रिलेशनशिप है परफेक्ट होगा तो वन होगा, माइनस का रिलेशनशिप है माइनस में होगा पर वन तो माइनस का परफेक्ट होगा, जीरो है तो नो रिलेशनशिप है, तो ये आपका स्केल हो जाता है। ये इसका फायदा मिलता है, ये ताल्लुक जो उनके दरमियान एसोसिएशन है ना उसकी स्ट्रेंथ के बारे में हमें बताता है आपके पास, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास आ गई, इसमें ये आ गया और ये नंबर, ये सारी चीजें, ये देखिए ये लिख दिया है मैंने, द रो कोरिलेशन कोफिशिएंट इज अ मेजर ऑफ द लीनियर एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल। लीनियर क्यों कह रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे मॉडल के लिए जो उनका ताल्लुक जानने के लिए स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल किया है। नॉन लीनियर भी होता है, वो एडवांस चीज है, वो आप लोग का स्कोप से नहीं, मैं नहीं है, ठीक है। वैल्यूज आर प्लस, वैल्यूज नियर प्लस वन इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप, वैल्यूज नियर माइनस वन इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप, एंड वैल्यू नियर जीरो इंडिकेट्स अ लैक ऑफ लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। दिस इंटरप्रिटेशन इज ऑल्सो वैलिड फॉर रेंडम वेरिएबल्स, द कोरिलेशन कोफिशियंट ऑफ 0.1295 इंडिकेट्स दैट देयर इज अ रिलेशनशिप, तो पॉजिटिव है बट वो वीक है। वीक क्यों है, क्योंकि ध्यान से देखें ये 0.1295 है, वन के करीब नहीं है बल्कि जीरो के करीब है, आपके पास जीरो से ज्यादा करीब है, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप तो है बट वो वीक है आपके पास, ठीक है जी। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है फाइनेंशियल एप्लीकेशन कोई नई चीज नहीं है, वो बता रहे हैं कि जब आप पोर्टफोलियो बना के काम करते हैं, पोर्टफोलियो किसी को पता है किसे कहते हैं पोर्टफोलियो? हाँ जी, पोर्टफोलियो सुना हो किसी भी फाइनेंस के कोई? क्यों होता है कि मतलब जो जो हम कैपेबिलिटीज होती हैं उसमें हम शो करते हैं अपनी, ठीक है। अच्छा सुन ले, देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बल्कि वो मिसाल बुक में भी है। मैं कहता हूँ ना कि आपके पास पैसे हैं और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा, एक आपके पास इन्फॉर्मेशन है कोई स्टॉक फंड है और कहते हैं कि अच्छा जी उसमें रिटर्न हायर है, मगर साथ में उसमें एक बात और भी थी कि उसमें रिस्क भी ज्यादा था, यानी उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी बहुत था, ठीक है। एक तो हो गया ये इतला आपके पास। दूसरी इतला क्या है, एक बॉन्ड फंड है, अगर सुना होगा बॉन्ड में नुकसान होने के कम चांसेस होते हैं, तो उसमें क्या है कि उसका रिटर्न तो कम है बट या मेडियोकर टाइप का रिटर्न है, मगर उसमें जो है ना रिस्क कम है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, ये हो गया। तो आप या तो स्टॉक में करें ये इन्वेस्ट या बॉन्ड में करें। तीसरा एक और है, आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। पोर्टफोलियो कहता है जो भी पॉसिबल इन्वेस्टमेंट हैं आपके जहां जहां उन सब में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा दें। अब वो थोड़ा थोड़ा से मतलब ये रेशियो डिफाइन कर दें, जैसे आप कहें अच्छा मैं रिस्क नहीं लेना चाहता ज्यादा, तो मैं 25% जो है स्टॉक में लगा देता हूँ, 75% जो पैसे अपने जो भी मेरे पास अमाउंट है लाख डेढ़ लाख, वो डिपेंड करेगा जो अमाउंट है उस पर आप कितना रेशियो रख रहे हैं। तो आपने कहा 25% स्टॉक पे कर लेते हैं मिसाल। अच्छा, यहाँ पे भी प्रेफरेंस होती है डिसीजन मेकिंग में, अगर आप चाहेंगे कि जो है आपको लॉस ना हो और रिस्क को आप अवॉइड करें
और रिस्क अवर्जन पर्सन है तो आप थोड़ा सा लगाना चाहेंगे, आप 25% कर लें, बाकी 75% या कुछ भी हो सकता है। एक कहता है काम करते हैं 50-50 कर लेते हैं, एक कहता है भाई मैं रिस्क टेक करूं मगर थोड़ा से कुछ पैसे मैं सेव भी करना चाहता हूं, तो 75% में स्टॉक पे लगा दूं, 25% बॉन्ड पे। ये जो आप मिक्स करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, ये पोर्टफोलियो कहलाते हैं। होपफुली ये सुना होगा पहले किसी टीचर से अकाउंटिंग में या फाइनेंस में, ठीक है। तो आइडिया यही है कि पोर्टफोलियो का मतलब है कि मिक्स करके अपनी इन्वेस्टमेंट करना। तो फाइनेंशियल एप्लीकेशन में 237 पे वही सारी वो डिटेल दे रहा है, ठीक है। तो ये सारा आपने पढ़ लेना है। अब ये इसका इंट्रो यहाँ पर है, और ये ऐसा था कि जी भाई एक इकोनॉमिक एडवाइजर है, उससे उसने एक सिचुएशन दी कि जब ये इकोनॉमिक सिनेरियोज होंगे तो इनकी प्रायोरिटीज ये होंगी। अब मैं बता रहा हूँ, पहले पढ़ लेता हूँ टाइटल, प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंट रिटर्न्स। ये देख लें टाइटल, ये प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंट रिटर्न्स फॉर इन्वेस्टिंग इन अ लार्ज कैप स्टॉक फंड। ये पहला आपका इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसको आप एक्स से डिनोट करेंगे, एंड इन्वेस्टिंग इन अ लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड फंड वाई। जिनको थोड़ा पता है उनको पता होगा जो गवर्नमेंट के बॉन्ड फंड होते हैं वो सिक्योर होते हैं, उसमें रिस्क कम होता है आपके पास, अनलेस बहुत बड़ा क्राइसिस ना आ जाए, ठीक है। जबकि स्टॉक वगैरह की प्राइस तो बाजू का छोटे मोटे या डेली बेस के क्राइसिस पे भी अप एंड डाउन होते हैं। तो अब एक इकोनॉमिक एडवाइजर है, उसने ये एक आउटलुक प्रेजेंट किया है, ठीक है। ये देखें ये पढ़ा हुआ है यहाँ, अब देख लें। A financial advisor is considering four possible economic scenarios for the coming year and has developed a probability distribution showing the percent return. अभी जो develop वगैरह ये सारा किया है ना, ये बेटा उसकी बेस पर किया है जो उसके पास information है। तो बहुत से लोग कहते हैं ना कि ये probability distribution तैयार कैसे होती, तो आप देखें आपने कैसे तैयार की थी। आपके पास जो sample space में information थी आपने उससे तैयार की थी, तो इसी तरह पुरानी information या जो information होती है उससे तैयार करते हैं। उसने कहा, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अगर रिसेशन होगा तो स्टॉक फंड का जो रिटर्न है -40 आपके पास परसेंट होगा रिटर्न, और गवर्नमेंट का 30 होगा, और इस चीज की प्रोबेबिलिटी जो चांसेस है वो 0.10 है। वीक ग्रोथ में क्या होगा कि लार्ज कैप का रिटर्न 5% होगा, परसेंट ये देख लें, और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट का 5 होगा, और इसमें जो प्रोबेबिलिटी है उनको वो 0.25 है कि जी 5% रिटर्न इसमें मिले, 5 इसमें मिले, इसके चांसेस 0.25 है। स्टेबल ग्रोथ में 15% रिटर्न और 4% रिटर्न मिलने के चांसेस इन दोनों में वो 50% है, और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ में ये, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, अगर ध्यान से देखें तो भाई एक तरीका कार तो ये कि आप इनका इंडिविजुअल निकाल लें। अच्छा भाई मैं सिर्फ इसमें करता हूँ लार्ज कैप स्टॉक फंड में, तो तब मुझे क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू मिलेगी, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, इसमें क्या होगा। और दूसरा एक बंदा कहता है मैं दोनों में 50-50 लगा देता हूँ, तो तब क्या होगा। तो ये देखें 9.25% रिटर्न मिल रहा है, ये कैलकुलेशन है क्योंकि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू वैसे ही है, मल्टीप्लाई करके किया है। 9.25% रिटर्न जो है वो आपके पास जो है वो एक्स आपको याद होगा स्टॉक फंड है, आसान करता हूँ, पूरा नहीं पढ़ता मैं, लार्ज कैप स्टॉक इसको बस स्टॉक फंड कहूंगा और इसको बॉन्ड फंड कहूंगा। स्टॉक फंड में जो एवरेज रिटर्न मिलने के चांसेस हैं, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्सपेक्टेड कहेंगे वो 9.25 है। अच्छा बॉन्ड में 6.5 है, ये इनका वेरियंस है जिसको आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें, ये देखें। और डेविएशन जो है 18.115% या 18.1159% रहने के चांसेस हैं फॉर स्टॉक फंड के लिए, और इसमें कम डेविएशन है। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, ये स्टॉक फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये बॉन्ड फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है, मुझे बताएंगे कि कौन सा रिस्की आपका इन्वेस्टमेंट है अभी, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन स्टॉक का। शाबाश, इसका वेरियंस और फिर पर्टिकुलरली स्टैंडर्ड डेविएशन देखा तो ये ज्यादा है, तो इसका ज्यादा रिस्क है, ठीक है। तो सम टाइम ऐसा भी हो सकता है किसी चीज का रिटर्न हायर और रिस्क भी ज्यादा हो, वो फिर डिपेंड करता है कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं आप किस तरह के बनते हैं। अगर बहुत हैं भाई, नहीं कहते हैं कि कोई सरफरा भी होता है, तो कोई ऐसा कह नहीं जी मैं रिस्की चीजों में पैसे डालूं, लगे तो बड़ा हाथ, लगे ना लगे तो ठीक है, कोई इशू नहीं, तो इस तरह के भी लोग होते हैं। अच्छा ये तो वो था ना कि आपने या तो इस पे जाना है, इधर यू आर इन्वेस्टिंग इन दिस और दिस। कोई कहता है यार मैं 100% लूज नहीं करना चाहता, या ऐसा भी नहीं हो कि कमाऊं तो बहुत, कोई कहे इसमें लगा दूं तो लूज होने के भी चांसेस है, इसमें लगा दूं तो प्रॉफिट तो मिलेगा कम मिलेगा, कुछ ऐसा करूं कॉम्बिनेशन कर लूं। कॉम्बिनेशन समझ रहे हैं जी? हाँ जी, सो तो नहीं गए,
ये थोड़ा सा हो गया लेंदी बट है सिंपल क्योंकि मैं सर वो पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो शाबाश शाबाश कॉम्बिनेशन ये आपने कहा यार थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं पैसा ताकि मुझे कुछ फायदा हो जाए तो ये जी आपका बेसिकली कॉम्बिनेशन से मुराद मेरी पोर्टफोलियो ही थी तो अब ये देखें ये आइडिया इसने कहा ये देखें ये सारा लिखा हुआ है इधर ये जरा पढ़ लिएगा जरूर आप लोग टू एवेल्यूएट दिस पोर्टफोलियो वी स्टार्ट बाय कंप्यूटिंग द एक्सपेक्टेड रिटर्न अब एक बंदा है इसको ऐसे समझ लें वो कहता है कि 50% स्टॉक में लगा देते हैं ये 0.5 देख रहे होंगे और 50% इसमें लगा देते हैं और आर मेरा जो है ना उनका ज्वाइंट रिटर्न है आपको पता है ना सम करके टोटल सेल्स वहां आ रहा था तो यहाँ सम्स करके ज्वाइंट टोटल रिटर्न आ जाएगा बट मैं सब में इकट्ठा नहीं लगा रहा हूँ 50-50 तो अब मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालूंगा ठीक है और मैं एक्सपेक्टेड डेविएशन निकालूंगा टोटल रिटर्न का तो फिर मुझे एक फॉर्मूला चाहिए होगा जो इस एक्सप्रेशन को एड्रेस करे तो ये रहा वो फॉर्मूला ये देख लें ए एक्स प्लस बी वाई एक्स रेंडम वेरिएबल है वाई भी रेंडम वेरिएबल है जब मैं ए एक्स प्लस बी वाई एक एक्सप्रेशन की एक्सपेक्टेड वैल्यू में निकालूंगा तो ये कुछ भी नहीं है सिर्फ ये होगा ए कॉन्स्टेंट ये बाहर आ जाएगा और एक्सपेक्टेशन एक्स पे अप्लाई होगा तो यानी एक्स की एक्सपेक्टेशन को ए से मल्टीप्लाई कर दें प्लस साइन है तो इधर भी प्लस दे दें और बी को मल्टीप्लाई कर दें वाई की एक्सपेक्टेशन और ये सम कर लें तो आपको मिल जाएगा क्योंकि एक्स और वाई की एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी आप यहाँ पे कंप्यूट कर चुके हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी तो ये देखें इन्होंने कंप्यूट किया हुआ है सिंस वी हैव ऑलरेडी कंप्यूटेड ई ऑफ एक्स 9.25 स्टॉक में जो एवरेज रिटर्न था एक्सपेक्टेड रिटर्न था 9.25% था बॉन्ड में जो एक्सपेक्टेड रिटर्न था 6.55 अब मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहता हूँ तो ये मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ ये देखें 0.5 ई ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई होगा 0.5 ई हो जाएगा तो अब देखें हमारा जो अब एक्सपेक्टेड रिटर्न उस पोर्टफोलियो का आ रहा है जबकि हमने ये डिसीजन मेकिंग की कि हम इन्वेस्टमेंट जो करेंगे वो 50-50% करेंगे तो उसका एवरेज रिटर्न जो अकॉर्डिंग टू डेटा आ रहा है वो 7.9% आ रहा है ठीक है तो ये एक तरह से अच्छी लाइसेंस में है कि जी ये दोनों के दरमियान का नंबर है और आप थोड़ा सा मुतमईन रहेंगे उस सूरत में जब आप बहुत ज़्यादा रिस्क ना लेना चाहते हो ठीक है तो ये एक्सप्रेशन कहलाती है लीनियर कॉम्बिनेशन की एक्सपेक्टेशन ठीक है अच्छा ये जिस तरह आपने देखा इसी तरह इसका वेरिएंस भी है कि अगर ax plus by का वेरिएंस लिया जाए तो ये क्या होता है a स्क्वायर को वेरिएंस ऑफ x से मल्टीप्लाई करना होता है प्लस b स्क्वायर को वेरिएंस ऑफ y से मल्टीप्लाई करना होता है प्लस 2ab मल्टीप्लाई होता है सिग्मा एक्स वाई से ये मुझे बताएंगे ये क्या चीज है अभी हमने पढ़ा है थोड़ा देर पहले सिग्मा एक्स वाई स्टैंडर्ड डेविएशन हाँ बट ये अब दो वेरिएबल का है दो वेरिएबल ऐसे कह लें दो वेरिएबल के जॉइंटली स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या कहते हैं अभी एक नाम मैंने लिया था या पढ़ा था हमने कोवेरिएंस कोवेरिएंस जी हाँ ऐसे समझ लें एक्स का अलोन अगर डेविएशन है तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन है वाई का अलोन डेविएशन है तो स्टैंडर्ड डेविएशन है बट अगर दो वेरिएबल का जॉइंटली डेविएशन होता है तो वो कोवेरिएंस होता है जो हमने देखा है ठीक है अच्छा दूसरी बात कोई बच्चे पूछे जी ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्यों आ रहा है एक तो इसकी बाय जो है ना डेफिनेशन इसकी डेरिवेशन का मैंने एक रेफरेंस दे दिया दूसरा मैं आपको बता दूं बहुत आसान है समझना क्योंकि डिटेल के लिए तो मुझे वो पूरा पेज दिखाना पड़ेगा वेरिएंस में याद है आप एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर करते हैं हाँ जी ये बात याद है किसी को वेरिएंस के फॉर्मूला ये देख लें ये देख रहे हैं एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर करते हैं अगर मैं एक्सप्रेशन पुट करूंगा तो कॉन्स्टेंट का स्क्वायर बाहर निकल के आएगा या नहीं आएगा आएगा तो ये इसी वजह से क्योंकि बहुत से बच्चे पता है क्या कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा जी यहाँ तो ए भी बाहर आ गया था और इधर स्क्वायर में आ गया तो देखें यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता था हम x इंटू एफ ऑफ एक्स करते थे एक्सपेक्टेशन का जनरल फार्मूला x इंटू एफ ऑफ एक्स था जबकि इसका जनरल फार्मूला था x माइनस म्यू होल स्क्वायर ये मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को ठीक है ये देखें x माइनस म्यू होल स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स और जबकि ये था हमारा एक्सपेक्टेशन का तो होपफुली बात समझ में आ गई होगी तो इसमें भी कोई का बात नहीं है ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्यों आ रहा है और ये कोवेरियंस है तो ये जी कोवेरियंस आपने क्योंकि कैलकुलेट वगैरह किया हुआ है अब ये डेटा का कैलकुलेशन कैसे हो रही है वो देख लीजिएगा तो यहाँ पर इन्होंने ये कैलकुलेशन किया अब मैं डायरेक्ट टेबल पर आ रहा हूँ जी ठीक है क्योंकि वो कैलकुलेशन वो सारी एग्जाम्पल में डिटेल दे रहा है तो उसको थोड़ा सा आपने ना एक गो थ्रू करना है ये एक्चुअल सिनेरियो में टेबल था हमने कैलकुलेशन की हमने स्टॉक का एवरेज रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला हमने इसका निकाला तीसरी एक लास्ट में कैलकुलेशन देखी पोर्टफोलियो की अब वो सारी इंफॉर्मेशन इस टेबल में आ गई टेबल 5.12 करना क्या है अच्छा जी हमने 100 ये देखें ये टेबल जो है इसको थोड़ा समझ लें पहले कॉलम में कह रहा है इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव क्या है
पहला ऑप्शन ये रखा कि अगर 100% इन स्टॉक फंड रखते हैं तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 9.25% होगा। वेरियंस तो ठीक है 382 है, मगर हमारा हमें चाहिए होता स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 18.1159% होगा जब आप पूरे की पूरी इन्वेस्टमेंट पूरे के पूरे पैसे लगाओगे स्टॉक फंड में। अच्छा, अगर आप बॉन्ड फंड लगाते हैं तो अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्टेड रिटर्न 6.55 होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन 7.87 होगा। ठीक है, फिर आप कहते हैं पोर्टफोलियो का भी चेक कर लें, और पोर्टफोलियो ना डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब इनका रेशियो डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे अभी जो टेबल है वो 50-50 के लिए, 10-90 भी हो सकता है, 0.25-0.75 भी हो सकता है, 60-40 भी हो सकता है, 40-60 भी हो सकता है। शॉर्टली कि आप अपने टोटल पैसे को कितने परसेंट कहाँ कहाँ लगाना चाहते हैं ये आइडिया होता है। अभी जो हमने कैलकुलेशन देखी थी वो 50-50, अगर आपके पास जो पैसे मौजूद हैं 50% आप स्टॉक में लगाएं 50% बॉन्ड में लगाएं तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 7.9 मिलेगा और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बाकी दोनों से कम भी है 5.46। अब दो तरह के यहाँ पे देखा जाए, ये इसने बहुत हेल्प कर दी है। रिस्की बंदा वो बहुत तगड़ा करता है, बस मैंने एनी हाउ रिस्क लेना है, वो स्टॉक में करेगा। बहुत ज्यादा आपके पास जो है ना वो सेफर साइड पे जो बंदा होगा ना वो फिर बताएं किसको चूज करेगा, बॉन्ड फंड को चूज करेगा या पोर्टफोलियो को चूज करेगा? सर बॉन्ड फंड। नहीं जी, पोर्टफोलियो। नहीं नहीं, पोर्टफोलियो देखें क्यों, एक्सपेक्टेड रिटर्न का नंबर क्या है? पोर्टफोलियो में एक्सपेक्टेड रिटर्न का नंबर क्या है जी, बताए कोई भी? सर 7.90। 7.9। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है इसका, इसी का पोर्टफोलियो वाले का 5.46। रिटर्न भी ज्यादा है, काम है, पॉइंट समझ आ गए? तो ये डिसीजन मेकिंग होती है नंबर्स की बेस पे। और एक बात बता दूं कि अगर आपने सही डेटा कलेक्ट किया, नंबर झूठ नहीं बोलते, आप डेटा से पता नहीं क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं जो आपको बहुत इनसाइट, हमारी आदत है थोड़ी हम डेटा यूज नहीं करते, ठीक है? तो खैर इन शॉर्ट आप ये इन्होंने डिफरेंट पे ये देखें, ये कैलकुलेट उस पे क्या हुआ 0.25 और 0.75 पे, तो इसका एवरेज रिटर्न 7.225 आ रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन 2.14 आ रहा है। तो अगर आप जरा ध्यान से देखें, मैं जरा इससे कंपेयर करूँ, 7.9 जो एक्सपेक्टेड रिटर्न था वो 7.225 हुआ, यानी देखा जाए ज्यादा फर्क नहीं आया। अच्छा, वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन 5.46 था बट स्टैंडर्ड डेविएशन अब 2. ये कब है? जब आप स्टॉक में 25% पैसे लगा रहे हो और बॉन्ड में 75%। तो देख रहे हो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स चेक किए हैं, ये भी एक पोर्टफोलियो। तो होपफुली बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा फाइनेंशियल एप्लीकेशन इसलिए दी क्योंकि आप फाइनेंस के स्टूडेंट हो तो आपके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट, ये कहीं पे भी एग्जांपल हो सकती है। अब मेरी एक जो आपको सजेशन है एज वेल एज रिकमेंडेशन, ये बेटा डिटेल से पढ़ेगा क्योंकि मैंने तो टू दी पॉइंट लेक्चर के हिसाब से एक्सप्लेन किया है। आप पढ़ेंगे आपको मजा भी आएगा और समझ आएगा कि देखें हम नंबर से किस तरह से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और बट इसमें एक शर्त होती है, डेटा पहले जो हमने पिक किया हो ठीक डेटा पिक किया हो। तो बेटा ये इसकी समरी है, समरी पढ़ लीजिएगा, मैं क्विकली बता देता हूँ भाई। बाईवेरिएट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में दो रैंडम वेरिएबल को जॉइंटली देखते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? सेकंड, इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, क्रॉस टेबुलेशन का आइडिया चाहिए जो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में किया है। दूसरा, इनके ताल्लुक को जानने के लिए कोवेरियंस लेते हैं और फर्दर उनकी स्ट्रेंथ को जानने के लिए उसी का एडवांस कैलकुलेशन है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि अगर हमें उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे काम करना पड़ जाए तो जिसको लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं, तो फिर हम अपनी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये जी हमारी समरी है और ये इन्होंने बताया कि जो डिफरेंट आपने इक्वेशंस देखी हैं लाइक ये वाली, इधर आ जाए मैं इस पर आ जाता हूँ। ये मैंने मेन मेन बातें लिखी हैं, बाकी डिटेल के लिए मैंने रेफर कर दिया है क्योंकि यहाँ पे मैंने मुनासिब नहीं समझा ये लेक्चर जो मैंने आप लोगों को दिया था। तो ये देख लें, मेन मेन पॉइंट फॉर्मूले सारे मेंशन है, सिर्फ आपको रीड करने की जरूरत है, ठीक है जी? तो ये आप देखिएगा, ठीक है? अच्छा अक्सर उस पर भी मैं बात करता हूँ बेटा, वैसे अब शेड्यूल फिलहाल यही रहेगा क्योंकि उसमें भी इश्यूज हैं बहुत सारे, ठीक है? तो वो मैं भी बात करता हूँ। ये समरी मैंने दे दी है, ठीक? तो अब 25 भी क्वेश्चन है और ये 28 भी क्वेश्चन है आपका। 25 देख लें, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन समझना है, बाकी आप उसको कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन मैं सामने रखता हूँ आप लोगों के।
अच्छा जी, तो ये देखें, गिवन बिलो इज अ बायवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ईच रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई, ये देख लें, ये एक्स की, ये गिवन है 50, 30, 40, ये तीन पॉसिबल वैल्यूज हैं, ठीक है, और किसी भी ऑर्डर में हो सकती है, ऑर्डर भी इनका होना जरूरी नहीं है, सही है, क्योंकि ये जॉइंट है, यानी जब x 50 और y 80 हो तो तब 0.2 यूज करना है, इसका ये मतलब है, जब x 30 हो y 50 हो तो 0.5, और ये 40 और 60 हो तो 0.3, तो इसने कहा एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द वेरिएंस ऑफ x एंड y, ये सेपरेटली निकालें, फिर प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन इनके कॉम्बिनेशन का ले रहा है, तो कॉम्बिनेशन का हम पढ़ चुके हैं, उसी तरीके से हम सम करके कर लेंगे, ठीक है, पार्ट बी में इनका जो सम है x प्लस y का, उसकी एक्सपेक्टेशन और वेरियंस निकालनी है, ये सेम है, तो इसको हम देख लेते हैं, ये देखें, तो याद रखें ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, अभी जिस तरह से हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है दोनों की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, और इंडिविजुअली जब उनको देखें तब भी उनके लिए यही प्रोबेबिलिटी, जैसे मैं कहूँ ना एक्स 50 और वाई 80 हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है, अब मैं सिर्फ ये पूछूं एक्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है तो वो भी 0.2 है, क्योंकि वो ज्वाइंट में कभी एक वैनिश भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं, अगर मैं कहूँ जी एक्स 40 और वाई 60 हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है, अब मैं कहूँ वाई 60 होने की प्रोबेबिलिटी वो भी 0.3 होगी, तो इसीलिए इन्होंने पार्ट ए कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है, ये देख लें सिंपल, वो मल्टीप्लीकेशन करके सम करना, वेरियंस भी निकाल लिया, तो पार्ट ए सिंपल है आपका, ठीक, अब उसके बाद पार्ट बी में आपने क्या करना है, अगर आप देखें तो हमारे पास डेवलप अ प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स प्लस वाई, तो आप सम कर लें 50 + 80 = 130, इसकी प्रायोरिटी भी आपके पास जो होगी वो 0.2 रहेगी, तो मतलब सम करके भी आप कहेंगे अच्छा फिर प्रायोरिटी सम होगी, नहीं प्रायोरिटी सम नहीं होगी क्योंकि ये है ही जॉइंट बेसिस पर, तो प्रायोरिटी वो आपकी सिमिलर रहेगी, क्या ठीक है, अच्छा जी, तो ये देख लें आपके पास सम पे आ गए, क्योंकि ये जो इनकी ये प्रायोरिटीज थी ना, इंडिविजुअल भी यही सेम यूज हो सकती है, और कॉम्बाइन कर रहे हैं ज्वाइंट कर लें तब भी यही यूज, ये देख लें x प्लस वाई एक नया रेंडम वेरिएबल हो गया, आप इसको s की तरह ट्रीट कर लें जैसे आपने पहले देखा था, ये इनकी प्रोबेबिलिटी, ये मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके सम की एक्सपेक्टेशन आ गई, ये डिफरेंस ले लिया, डिफरेंस का स्क्वायर ले लिया, आप x प्लस वाई को s से डिनोट कर देंगे तो आसानी हो जाएगी समझने में, या कुछ भी ले लें z ले लें, तो ये आ गया जी इनका सम, और जैसे आप क्रॉस वर्निंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, तो ये वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई आ गया, भले आप अज्यूम करेंगे ये जो आपका एक्स प्लस वाई ये जेड है, कोई नया रैंडम वेरिएबल है, तो सेम वही वर्किंग है, अब यहाँ पर बस इतना बता दूं टेबल में इंफॉर्मेशन को समझना है वो आपको गिवन होगा, एक्स को समझना है, वाई को समझना है, और बस उस पर काम करना है, तो कोवेरियंस एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर एक्स एंड वाई पॉजिटिवली रिलेटेड है या नहीं है, नेगेटिवली है या अनरिलेटेड है, तो वो आपने बताना है, तो ये देखें आप वो कोवेरियंस निकाल लें, x प्लस वाई का वेरियंस देखें, अभी हमने कैलकुलेट किया 364, x का वेरियंस हमने यहाँ निकाला हुआ है 61, y का वेरियंस निकाला हुआ है 122, ये जो फॉर्मूला देखा था डिवाइड बाई 2 कर लें तो कोवेरियंस का नंबर 87 आ गया, ठीक है, तो अब आपको याद होगा कोरिलेशन कोफिशिएंट में इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सेपरेट चाहिए होती थी, एक्स के अलग वाई के अलग, ये नंबर पुट कर दिए 0.98। अब मैंने एक बात बताई थी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है वो स्केल्ड हो जाता है, और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी रो एक्स वाई -1 से +1 के दरमियान आता है, अगर वो +1 के करीब होगा तो पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा, और अगर वो -1 के करीब होगा तो नेगेटिव स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा, तो यहाँ पे रो का नंबर देखें प्लस का 0.8 आया है, क्योंकि ना कोवेरियंस आपको ना नहीं हेल्प कर सकता स्ट्रेंथ के लिए, क्योंकि आप 87 देख रहे हैं, सम टाइम ऐसा होता है, मैं एक मिसाल देता हूँ, एक चीज का डेटा मीटर में और एक चीज का फीट में डेटा हो तो आप देखें कोवेरियंस इफेक्ट हो जाएगा बट कोरिलेशन इफेक्ट नहीं होगा, तो दैट्स वाई हम यहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ डिसाइड करने के लिए निकालते हैं, और 0.98 का मतलब एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है आपके पास, ठीक है, तो ये जी आइडिया, बाकी आप क्वेश्चन देख लीजिए, और कोई इसमें से टॉपिक में से क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए आप लोग,
और थोड़ा सा क्रॉस टेबुलेशन अगर याद होगा तो आप बाईवेरिएट कर लेंगे. बाईवेरिएट कुछ नहीं है, सिर्फ रैंडम वेरिएबल की प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का? अच्छा जी, अनिल मौजूद हैं आप? जी सर. अच्छा यार, ये अभी एक आपकी एक साथी अक्सर एक इनका कंटिन्यूस मैसेज आता है, अभी रहता है. देखो ये क्लास के हवाले से, जैसे आप लोग ही तो ऑफिशियली क्लास 10 है, ये मुझे जो आपके सीनियर्स हैं 2-3 उनकी वजह से ये करना पड़ रहा है. ठीक है, सही है सर. और कोई डे पे तो हम नहीं जा सकते, या तो हम जुम्मे को ही फॉलो करें 3 बजे. दूसरा अगर एक ऑप्शन है जो मेरी अवेलेबिलिटी के हिसाब से, कि अगर ये बुध को जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं उनके साथ अगर मेरे बिहाफ पे रिक्वेस्ट करो कि हम इंटरचेंज कर लें, कि वो जुम्मे को वो ले लें और बुध को मैं ले लूं. सही सर, मैं पूछ लेता हूं. वो कौन पढ़ा रहा है बताओगे मुझे? बुध मुझे नहीं, बुध मंडे ना सर. वेनेसडे मैम होती है. तो अब मेरे बिहाफ पे पूछ लो अगर उनको कोई अपना, क्योंकि देखो ना हम किसी की रूटीन भी नहीं, क्योंकि हर एक के अपना एक शेड्यूल बना होता है. ठीक है, तो पहली बात तो मैं कोई और डे पे जा ही नहीं सकता मैं, इसलिए कि एक तो पूरी क्लास का टाइम टेबल हम 2-3 बच्चों की वजह से नहीं स्विच कर सकते, और दूसरा फिर मेरी अपनी क्या रूटीन और चीजें चल रही है, क्योंकि एक वक्त में कई काम और भी चल रहे होते हैं. तो मेरे पास एक ऑप्शन है, याद करें मैंने पहले वीक बुध को लिया था, वेनिसडे को. ठीक है, तो बट वेनिसडे को नहीं कर पा, अभी शेड्यूल में जुम्मा आ गया. मेरे लिए टेबल डे, अगर याद हो मेरा टेबल डे से मतलब है टाइम टेबल में मेरे पास पहले है, क्योंकि हम दो डिफरेंट सेशन करते थे, तो एक वेनिसडे को होता था, एक फ्राइडे को. अब फ्राइडे को जो 10 बजे मुझे टाइम अलॉट हुआ है, मुझे अब सुन ले उसमें भी इशू नहीं है, आज दोपहर में भी कोई इशू नहीं है, और वेनिसडे को भी कोई इशू नहीं है. वेनिसडे को देखा है मैंने दोपहर में, सुबह में शायद हो सकता है आपका एक साथी है शिराज, उसका मसला आ सकता है. तो अगर वेनिसडे पे कोई हो जाता है ठीक है, बाकी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. तो ये चीज आप पूछ लीजिएगा. ठीक है अक्सा, होपफुली आप बात समझ गई होंगी कि अगर मैम स्विच करेंगी तो ठीक है, वरना हमारा जुम्मे का शेड्यूल ये फिक्स रहेगा, और वो भी सिर्फ सर. नहीं तो फिर यही फिर फॉलो करेंगे जुम्मे वाला 3 बजे, क्योंकि और कोई बेटा ऑप्शन नहीं है हमारे पास. ठीक है ना, तो क्योंकि जुम्मे का ये है कम अज कम ये ना कि क्लास वाले को चलो ठीक है कि इनका आज ही के दिन क्लास हो जा रहा है, हम किसी और दिन इनका शेड्यूल नहीं चेंज करें, उससे फिर हो सकता है कि 28-30 बच्चे मुतासिर हो रहे हो. ठीक है, तो बस ये बस आपने सिर्फ एक चीज पूछ लेना कि अगर उनको कोई इशू नहीं है तो ठीक है, वरना अदरवाइज जुम्मे का हमारा कंफर्म है. मतलब अब ये क्यूरियोसिटी निकाल देंगे जी हमारा शेड्यूल क्या है, शेड्यूल जुम्मे का होगा या ज्यादा मैम कन्फर्म कर देंगी तो हम बुध पे चले जाएंगे, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. ठीक है, ठीक है सर. और सेकंड मिड के बारे में मैं अगले वीक में बात करूंगा, क्योंकि अगले वीक भी हमारी क्लास है, ये चैप्टर कंप्लीट होगा उसमें मैं बता दूंगा. ठीक है, तो अभी हम फिलहाल कोई बात नहीं कर रहे हैं. संजना आप पूछिए. सर इसमें बुक में से 11 क्वेश्चन का पार्ट ई समझ में नहीं आ रहा मुझे, आप समझा? 11 क्वेश्चन का पार्ट ई नहीं समझ में आ रहा, ये इसी चैप्टर से? यस सर, चैप्टर 5. चैप्टर 5 से, बस मुझे एक मिनट दें जी, मैं अभी पहुंचता हूं. जी जी, क्विज तो आपका हर वीक होगा, हर उसका आज नहीं, नहीं संडे को रख रहे हैं ताकि आप लोग को एक दिन मिल जाए. ठीक है, माशाल्लाह इतने प्यारे मासूम बच्चे हैं, रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है. सही है, खैर आज ही हम देख लेते हैं. 11 आर टेक्नीशियन सर्विसेज मेलिंग machine set companies in Phoenix area. Depending on the type of malfunction, the service call can take 1, 2, 3, or 4 hours. The different types of malfunctions occur at about the same frequency. Develop a probability distribution for the duration of a service call. Draw. अच्छा, अब जरा यहाँ पे देखें आपके पास ये जो हमारा random variable है, तो इसमें हमें पहले देखना होगा possible value क्या है. The service call can take 1, 2, 3, or 4 hours. ठीक है, एक तो ये हो गया. Type of the different types of malfunction occur about the same frequency. तो अब मुझे एक बात बताएं, service call की possible values क्या क्या given है? Sir, 1, 2, 3, or 4 hours. ठीक है, ये बेटा आपका x है. Service call जो है आपका random variable है, x 1, 2, 3, 4 है.
अच्छा एक क्वेश्चन और, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माल फंक्शन, अगर माल फंक्शन जो भी है वो डिफरेंट है अबाउट द सेम फ्रीक्वेंसी, क्या मतलब हुआ इसका? सर फ्रीक्वेंसी सेम होगी 0.25 सब चारों की होगी। तो ये पीडी बन गई आपकी, ये पार्ट ए हो गया आपका, समझ आ गई बात? तो बस उसके बाद आगे सारा काम कर लेंगे आसानी, क्योंकि असल में पता है अगर आप लोगों को एक बात समझ आई हो, पीडी हमारी तैयार हो गई तो मसले हल हो जाएंगे। ये फरमाइए। यस सर, पार्ट ई समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अ सर्विस कॉल हैज जस्ट कम इन, ठीक है, बाय द टाइम। अब इसके लिए ना पता है मैं बताऊं आपको, इसने व्हाट इज अ सर्विस कॉल विल टेक 3 आवर्स, ठीक है, तो show that your priority description condition required for a discrepancy हो गया, for what is a service call will take 3 hours 0.25, ठीक है, a call just is coming but the type of malfunction is unknown, it is 3 p.m. and service technician usually get off at 5 p.m. what is the priority that service technician like over time to fix the machine today, what is the probability आपके पास? तो 0.25 ही होगी, कैसे? देखिए ना, 3 बज रहे हैं ना और 5 बजे उसका ऑफ हो जाता है। मुझे एक बात बताएं, ज्यादा जो है सर्विस कॉल कैन टेक, सर्विस कॉल ज्यादा कितने आर, मतलब 1 घंटे लगे उसके चांसेस कितने? 0.25, 2 घंटे, 2 घंटे लगने के चांसेस 0.25, ठीक है, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी से वो कह रहा है। तो अब यहाँ पर ये जो कह रहा है ना, व्हाट इज द प्रायोरिटी दैट द सर्विस टेक्नीशियन विल हैव टू वर्क ओवर टाइम टू फिक्स द मशीन टूटे। अब मुझे एक बात बताएं, चाहे वो 1 घंटे लगे 2 लगे, ये तो उसके ऊपर 25% तो लगेंगे ना आपके पास टू फिक्स द मशीन टुडे, ठीक है जी सर, 25% ही होगा। व्हाट इज द प्रायोरिटी द सर्विस टेक्नीशियन विल हैव टू वर्क ओवर टाइम टू फिक्स द मशीन टुडे आपके पास, ठीक है, तो ओवर। अच्छा, आपके पास जो है हम यहाँ पर ये कह लें कि इसमें 1, 2, 3 और 4 the different types of about the same frequency, ठीक है, वो depend उस पे कर रहा है। तो उसको अगर हम कह रहे हैं कि जी what is your service में will have to work to overtime to fix the machine today, तो अब मिसाल है कि 3 से 4 में काम हो जाए उसके chances भी 25% है, 3 से 5 में काम हो जाए उसके chances भी 25% है। तो अब हमारे पास जी के उसको ओवर टाइम लगेगा, ओवर टाइम लगने के भी चांसेस वो 3 या 4 घंटे का, तो 25%, क्योंकि एक्सपेक्टेड वो कुछ नहीं पूछ रहा है, तो एक्सपेक्टेड में होपफुली एक शायद नंबर कुछ और होता है, ठीक है जी। तो सर इसका 0.25 है जी। जी जी सर, थैंक यू। फर्दर मैं इसको और देख लूंगा, ठीक है, इसको फर्दर अगर कोई नई बात हुई तो मैं जरूर। ये ओप्पो A57 कौन है जी? सर ये रिकॉर्डिंग LMS पर अपलोड कर दें सर, आपने अगली बार पिछली बार भी क्विज के बाद अपलोड की थी। हाँ, तो वो मैंने नहीं बताया था क्यों अपलोड की थी मैंने। यस सर बताया था, पर कोई ऐसा इशू हो गया था उसके बाद, मुझे मैं जैसे ही वो मैंने वो फिक्स किया वो कोई था उसमें प्रॉब्लम, अपडेट वर्जन कुछ करना था, खैर वो करके मैंने जैसे ही वो हुआ मैंने कर, ये तो खैर मैं अभी करूंगा इंशाल्लाह, आज ही की तारीख में हो जाएगा, तो टेंशन ना ले। और सर क्विज थोड़ा पोस्टपोन कर दें सर, क्योंकि हमारी सुबह भी क्लास है सर और मंडे को भी क्विज है। नहीं, ये क्या सुबह भी क्लास है, वो तो हम इंडिपेंडेंटली देख रहे हैं ना यार, मैं तो इसलिए एक दिन का गैप रखता हूँ नॉर्मली, क्या आपको इशू? आज सर ने एक चैप्टर दिया है वो भी कवर करना है सर सुबह तक। नहीं क्विज फिर अगले वीक में, नहीं समझ रहे ना, फिर अगले वीक का अपने मंडे से तो हम नए वीक में एंटर हो जाते हैं ना सर, फिर हमारे पास ट्यूसडे वाला दिन सारा दिन फारिग होते हैं सर, कोई भी क्लास नहीं होती। ट्यूसडे वाले दिन फारिग होते हैं, कोई भी क्लास नहीं होती, क्यों? ट्यूसडे तो आपका शेड्यूल लिखा हुआ आ रहा था। नो सर, नहीं आती, वो जो ट्यूसडे वाले दिन वो सैटरडे वाले दिन हो गई है। नहीं, ओम प्रकाश वो एक दिन के लिए हो गई थी, अकाउंटिंग क्लास, वही कह रहे ना, क्योंकि बाजुकात ना देखें जैसी सिचुएशन है ना, बाजुकात टीचर कोई टाइमिंग इशू के लिए ना आपका, ये मैंने कल वो 10 वाली क्लास 11 पे ली, तो अब बच्चे ये समझ बैठे मैं 11 पे लूंगा, वो मैंने उनको क्लियर किया कि मुझे एक काम था, मैं 1 घंटे लेट हो गया इसलिए मैंने आपको 11 बजे कॉल किया, पॉइंट मेरा समझ रहे? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हम वीक वाइज चलें, संडे को ही होगा, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा पढ़े, ये मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। और कोई बात जी? मैं अभी फिलहाल इसको तो ये